तो हमने प्रीरिक्विजिट देख लिया, उसके बाद एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे इन्होंने बना के दिखाया था जी। हम फाइनली जूम पे मूव कर रहे हैं, टीम व्यूअर और एनी डेस्क दोनों मसले करता है। जूम बहुत सही चला है, कल लास्ट क्लास में जूम ट्राई किया था, जूम बहुत सही चल रहा है। इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह का भी ऑप्शन है, मैंने कहा चलो थोड़ा जूम पे भी हाथ सेट करते हैं। ये छोटी सी एग्जांपल बनी हुई है रिएक्ट नेटिव की, ये एक मोबाइल ऐप का कोड है रिएक्ट नेटिव का। इस कोड में आपको क्या चीज सिमिलर लग रही है? रिएक्ट और रिएक्ट का कंपोनेंट ये सेम चीज है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। एक रिएक्ट इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट किए, जैसे मैं मटेरियल यूआई से इंपोर्ट करता था ना, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट फील्ड, मैंने कहां से इंपोर्ट किया? रिएक्ट नेटिव से। और रिएक्ट नेटिव से मैंने टेक्स्ट किया है और व्यू किया है। व्यू क्या चीज है? एक डिव है, ठीक है। डिव में, डिव का जो नाम इसके अंदर है वो व्यू है। इसी तरह जो एचटीएमएल के जितने भी कंपोनेंट है ना, डिव है, H1 है, H2 है, इन इसमें उन सब का नाम चेंज है, तो वो आपको देखना पड़ेगा एक दफा। वो हम एक दफा गो थ्रू कर लेंगे ऊपर से नीचे तक कि आपको किस तरह के कंपोनेंट्स इसमें मिल रहे होते हैं। अच्छा, H जो पैराग्राफ है हमारा, उसके लिए इसमें है टेक्स्ट, ठीक है। ये पैराग्राफ की, ये टेक्स्ट बना हुआ रहा है आपका, ये पैराग्राफ को टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप लिखेंगे H1 तो वो काम नहीं करेगा, वो कहेगा ये मुझे मिल ही नहीं रहा, सही है। रिएक्ट नेटिव के अंदर एचटीएमएल का कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा। अच्छा, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो रिएक्ट नेटिव में भी उसी नाम से मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो कुछ है, लेकिन वो स्टिल वो एचटीएमएल के कंपोनेंट्स नहीं है। इवन रिएक्ट में भी जो हम H1 लिखते हैं वो H1 एचटीएमएल का H1 नहीं होता है, वो रिएक्ट का कंपोनेंट होता है, वो पीछे बना हुआ होता है कहीं ना कहीं, हमें नहीं पता होता वो क्या, कैसे बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, क्योंकि वो लाइब्रेरी लेवल पर टैकल हो रहा होता है। तो इसके अंदर जो है व्यू और टेक्स्ट के नाम से दो कंपोनेंट आपने ऊपर इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद आपने कहा योर ऐप, ठीक है। देखिए इसका कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये कंपोनेंट है। ये रिटर्न क्या कर रहा है? एक अदर JSX, तो ये कंपोनेंट है। यही दो चीजें होती है पहचान इसकी के कंपोनेंट है। तो ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है और रिटर्न ये कर रहा है JSX, और नीचे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, बिल्कुल रिएक्ट की तरह है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर रिएक्ट से। लेकिन फर्क सर सिर्फ ये है कि इसके कंपोनेंट रिएक्ट वाले इसमें काम नहीं करते, इसके अपने कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, तो अब हम जरा देखते हैं कि भाई इसकी पहली ऐप बनाएं तो बनाएं कैसे भला। अच्छा, ये फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट दोनों में हो सकता है, ठीक है। रिएक्ट हमने जो सबसे लेटेस्ट वाला रिएक्ट पढ़ा है वो फंक्शनल कंपोनेंट है, लेकिन अगर किसी की ऐप पुरानी बनी हुई है तो वो क्लास कंपोनेंट पे भी ये चलता है, ठीक है। अभी तक इन्होंने सपोर्ट खत्म नहीं की है क्लास कंपोनेंट की। अच्छा जी, अब ये डेवलपर नोट्स है और कुछ है। यार हेलो वर्ल्ड कहाँ चल रही है? हेलो वर्ल्ड तो गुम हो गया। द बेसिक्स फंडामेंटल हैंडलिंग 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 नहीं नहीं इसकी तो पूरी इंस्टॉलेशन वगैरह है ना। हाँ, ये रहा ना सेटअप एनवायरनमेंट टू योर लोकल मशीन, सही है। सेटअप एनवायरनमेंट टू लोकल मशीन लिखा हुआ है। अच्छा, सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन योर लोकल मशीन, इसको सेटअप करने के ना दो तरीके हैं, सही है। नंबर एक तरीका है एक्सपो CLI। एक्सपो CLI जो है वो रिएक्ट नेटिव का अपना नहीं है, थर्ड पार्टी है, ठीक है, लेकिन बहुत फेमस है। एक्सपो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें ना ऑटोमेटेड मिल जाती है, लेकिन एक्सपो का एक डाउन साइड है। एक्सपो का डाउन साइड सिर्फ एक ही है कि बहुत सारे प्लगइन एक्सपो में सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है। बहुत जल्दी रिएक्ट नेटिव वाले इससे जान छुड़ा लेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। अपनी जो CLI है उसमें काफी तेजी से ये चेंजेस कर भी रहे हैं इससे कॉम्पीट करने के लिए। लेकिन तो हम करेंगे क्या, हम जो हेलो वर्ल्ड बनाएंगे वो हम एक्सपो के जरिए बनाएंगे, ठीक है, आसान है क्योंकि वो सेटिंग नहीं करनी पड़ती ज्यादा। अच्छा, उसके बाद जब हम UI वगैरह तो सेम ही है दोनों में, कोड में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ CLI का मतलब है जो टूल है ना, जैसे आप npm run start npm run dev करते हैं, तो वो लिखने के लिए npm की जगह एक टूल है इसके अंदर, तो
तो वो एक्सपो सीएलआई और एक्सपो सॉरी एक्सपो सीएलआई और एक रिएक्ट नेटिव की सीएलआई है। तो हम पहले एक्सपो सीएलआई पे छोटा मोटा बना के हेलो वर्ल्ड बना के एक वेदर ऐप बना लेते हैं, छोटी सी वेदर ऐप तक हमें ये तंग नहीं करेगा। फिर हम एक अदद प्लगइन को हम ट्राई करके देखेंगे, सही है, इसमें प्लगइन्स होते हैं, तो प्लगइन से हम क्या ट्राई करके देखेंगे कि प्लगइन चलते कैसे, एक देख लेंगे या दो देख लेंगे, बाकी प्लगइन फिर आप खुद से देखते रहिएगा। मिसाल के तौर पर प्लगइन से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको वाइब्रेटर को कंट्रोल करना है, ठीक है, आपको अपनी ऐप के अंदर किसी भी किसी काम के अगेंस्ट वाइब्रेशन ऑन करवानी है आपको, तो वेबसाइट रिएक्ट की ऐप में क्या ये ऑप्शन होता है मेरे पास? नहीं होता, लेकिन मोबाइल ऐप में तो ये ऑप्शन होना चाहिए। तो मोबाइल ऐप में इसके लिए प्लगइन का सहारा लिया जाता है। प्लगइन सिंपल लाइब्रेरी होती है, इसको नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो सिर्फ रिएक्ट नेटिव में चलती है, प्लगइन्स ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो सिर्फ रिएक्ट नेटिव में चलती है। भाई एनपीएम की जो लाइब्रेरी है वो तो रिएक्ट में भी चल जाती है, रिएक्ट नेटिव में भी चल जाती है, ठीक है। एनपीएम की लाइब्रेरी जैसे कि फायरबेस है, जैसे कि मोंगोस है, इस तरह जो भी चीज है वो दोनों में चलती है। लेकिन प्लगइन एक ऐसी लाइब्रेरी है जो जिसका स्टोर भी अलग है, एनपीएम से नहीं आप डाउनलोड करते हो उसको, इनका रिएक्ट नेटिव वालों का एक स्टोर है अपना, वहां से उसको डाउनलोड करते हैं। और ये सिर्फ मोबाइल ऐप में काम करती है, और इससे सिर्फ ऐसी चीजें की जा सकती है जो मोबाइल में ही पॉसिबल है, जैसे कि वाइब्रेटर आपको कितनी बार वाइब्रेट करवाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई रियल टाइम में जैसे आपने रियल टाइम मैसेजेस लगाए हैं, तो जैसे ही एक नया मैसेज आए आप चाह रहे हैं कि वाइब्रेट करे फोन, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा कि ऑन, और जो भी चैनल है आपके उस ऑन चैनल में आपने कहा जब मैसेज आए तो इसको पुराने मैसेजेस के साथ कॉन्कैट करवाओ, कॉन्कैट करवाने के बाद क्या करो, एक वाइब्रेटर थोड़ी देर चला दो, 3 सेकंड के लिए वाइब्रेटर ऑन करो, तो इस तरह से कर सकते हैं आप। अच्छा, और कोई ऐसी चीज बताओ जो सिर्फ मोबाइल फोन में होती है? फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करवाना, नोटिफिकेशन की एक लाइट होती है कुछ मोबाइल फोन में, एंड्रॉइड में, उसको आप चाह रहे हैं कि ब्लिंक करे वो, उसमें 3 कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, तो आप रेड ग्रीन ब्लू का कोई भी कॉम्बिनेशन बना के उसको ब्लिंक करवा सकते हैं। हर फोन में नहीं होती, लेकिन कुछ ज्यादातर में होती थी पहले, अब आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म कर दिया एंड्रॉइड में लोगों ने। अच्छा, और कोई ऐसी बात जो सिर्फ एंड्रॉइड में या सिर्फ मोबाइल फोन में होती है? कैमरा, कैमरे का एक्सेस, कि आपको किसी मोबाइल फोन में, एक तो हमारे यहाँ इसमें होता है ना, इन बटन दबाया मैंने, फेसबुक खोला, बटन दबाया, तो मेरे पास मेरे फोल्डर सारे नजर आ रहे हैं कि अच्छा भाई यहाँ पे कोई पिक्चर है, आप इसको सेलेक्ट करना है। लेकिन मोबाइल फोन में जब आप ये ऑप्शन खोलते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि ब्राउज या टेक फोटो, कैमरे से फोटो लेने का भी ऑप्शन होता है, तो वो काम सिर्फ मोबाइल फोन में ही हो सकता है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर में वो काम नहीं करता। अच्छा भाई देखो, पॉसिबल है कंप्यूटर में भी ना, कैमरा तो क्योंकि इसमें भी होता है तो पॉसिबल है इसमें भी। भाई देखो, अभी फेसबुक ने लाइव सेशन वगैरह सब करना अलाउ कर दिया, कल रात को मैंने लाइव सेशन किया इससे लैपटॉप से, बड़ा सही चल रहा है, उसने वहीं पे कैमरा खोल के वहीं से लाइव स्टार्ट कर दिया, पहले ये ऑप्शन नहीं था, सिर्फ मोबाइल फोन से ही होता था लाइव, तो अब इसमें भी ये पॉसिबिलिटीज मौजूद है, ऐसा नहीं है मौजूद नहीं है। तो ये प्लगइन एक मौजूद है इसके लिए कैमरे का। अच्छा, वो प्लगइन जो है वो एंड्रॉइड में और आईफोन में इक्वली काम करता है, ठीक है। आपने कोड लिख दिया एक बार, अब आप जब बिल्ड निकालेंगे तो जो आईफोन के लिए ऐप निकलेगी उसमें भी वो उसी तरह काम करेगा, एंड्रॉइड में जो ऐप निकलेगी उसके लिए भी वो सेम काम करेगा। अच्छा, कैसे होता है ये काम, ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के लिए सेम काम करे, दोनों की लैंग्वेजेस अलग है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि रिएक्ट नेटिव चूंकि इतनी हाइप बनी हुई है, तो जाहिर है सब लोग थोड़ा थोड़ा सर्च तो करते रहते होंगे, रिएक्ट नेटिव ये रिएक्ट के कोड को मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करती कैसे? जी, जावा पे कन्वर्ट कर देती कैसे? जावा में कन्वर्ट करता हूँ नहीं, लेकिन अब मेरा सवाल यही है ना कि एक कैमरे की लाइब्रेरी थी, उस कैमरे की लाइब्रेरी में कोड लिखा हुआ है, अब या तो वो जावा में हो सकता है या तो वो स्विफ्ट में हो सकता है, तो दोनों में इक्वली कैसे काम कर रही है? जी, अच्छा चलो, अभी तो बेसिक तो बताओ कि वो एक्चुअल में होता क्या ऐसा जिससे वो मोबाइल ऐप में कन्वर्ट हो जाता है, ये पहला सवाल तो ये है। ये दूसरा सवाल है कि वो प्लगइन में ऐसा क्या करता है? जी प्लीज,
अच्छा आपके दोस्त ने कहा है कि ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट और व्यू, इसके अगेंस्ट उसमें भी कोई कंपोनेंट्स होते हैं, ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मोबाइल ऐप में कन्वर्ट किया जाता है जी। और कौन बताएगा कि रिएक्ट नेटिव में जो हम कोड लिखते हैं रिएक्ट का, वो मोबाइल ऐप में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? अगर किसी ने सर्च किया है, किसी ने गूगल किया है पहले से, किसी को पता है तो प्लीज शेयर करें मुझे। नहीं, किसी को भी नहीं पता। देखो होता क्या है, हम कोड लिखते हैं एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज क्या है? जेएसएक्स। अच्छा जेएसएक्स जब वेब में वही कोड चलता है ना मेरे ब्राउजर के अंदर, तो वो सारे कंपोनेंट किसमें कन्वर्ट होते हैं? एचटीएमएल में। एचटीएमएल में कन्वर्ट हुए बगैर तो चल ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राउजर को एचटीएमएल समझता है। हम लेकिन एचटीएमएल नहीं लिखते, हम लिखते हैं जेएसएक्स। अच्छा इसी तरीके से जब वही रिएक्ट की ऐप मोबाइल ऐप में कन्वर्ट होती है, तो वो कंपोनेंट जो है, जो मैं जेएसएक्स लिखता हूँ, वो जाहिर है एंड्रॉइड के अंदर भी जो यूआई बनती है ना, तो उसमें एक लैंग्वेज है जो यूआई बनाने के इस्तेमाल होती है, जैसे H1, H2, H3, उसमें अपने उनका नाम अलग है लेकिन वो है उसी तरह, ठीक है, उस लैंग्वेज को XML कहते हैं, ठीक है। इसी तरह iOS के अंदर भी जब आप UI बनाते हैं, उसमें तो ड्रैग ड्रॉप से कर रहे होते हैं लोग ज्यादातर, लेकिन उसमें भी XML में बनती है। आपका जो स्क्रीन का जो व्यू है ना, कि अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा दो, यहाँ पे स्क्रॉल लगा दो, यहाँ पे डिब्बा शो करा दो, उसमें XML होती है। नाम अलग अलग है लेकिन दोनों में HTML टाइप का ही एक चीज होती है जिसको XML कहते हैं। तो ये जैसे उसमें कन्वर्ट हो जाती है, आसान है, ठीक है। अच्छा इससे पहले भी हाइब्रिड एप्लीकेशन के नाम से कुछ टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जिसमें आप क्या करते थे कि आप कोड लिखते थे, उस वक्त एंगुलर का जमाना था, रिएक्ट उस वक्त नहीं आई थी, एंगुलर जेएस में कोड लिखते थे आप, और वो क्या होता था, मोबाइल ऐप में कन्वर्ट हो जाती थी। अच्छा वो मोबाइल ऐप में जो कन्वर्ट होती थी, उसकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट थी, उसकी अप्रोच, और वो फेलियर हुआ बाद में, फेल हो गई थी वो। अभी भी ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है बिल्कुल, लोग अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका यूज केस बहुत ही लिमिटेड है, उसमें बहुत ही कम ऐसे काम है जिस वो उसमें हो सकते हैं। तो वो करते क्या थे, एक मोबाइल ऐप पहले से बना के रखी हुई होती थी उन्होंने, एक मोबाइल ऐप पहले से बना के रखी हुई होती थी, जिसमें कुछ एज टू एज होती थी, वो उसके अंदर कोई डिस्प्ले कुछ नहीं होता था, और उसके अंदर ब्राउजर खुला हुआ होता था। उसके अंदर क्या होता था, आपके मोबाइल ऐप के अंदर ब्राउजर खुला, भाई जैसे गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम में तो ऊपर बटन शटन होते हैं, वो एक ऐसी मोबाइल ऐप पहले से बनी हुई होती थी जिसमें कुछ भी नहीं होता था, खाली होती थी और पूरा ब्राउजर का पेज होता था। आपका जो आपकी जो ऐप है ना, वो होती थी HTML CSS में कन्वर्ट हो जाती थी, और वो उसके अंदर एज अ वेब पेज ओपन हो जाता था। आपको लगता था ये मैं जो स्क्रॉल कर रहा हूँ ये मोबाइल ऐप है, लेकिन असल में वो क्या होता था, मोबाइल ऐप के अंदर आपका वेब पेज खुला होता था। कुछ खाली होती थी, और एक एंड्रॉइड की ऐप भी उसी तरह बना के रखते थे। आप जैसे जैसे कोड लिखते HTML में कन्वर्ट किया, उसके अंदर फिट कर दी, फिट करके पब्लिश कर दिया स्टोर पर। अब जो डाउनलोड करेंगे तो ब्राउजर और आपकी वेब पे वेब ऐप, वो दोनों साथ में डाउनलोड होती थी, रुक जाती थी। उसमें मसला क्या था, उसमें मसला ये था कि एक तो भाई स्लो बहुत थी, स्लो इस वजह से थी, स्लो होने के दो रीजन थे। नंबर एक, जितने भी वेब व्यू थे ना आईफोन के अंदर और एंड्रॉइड के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर जो वेब व्यू खुलता था वो अलग था, वो लेटेस्ट वाला था। अच्छा अगर वही वेब पेज आप किसी ऐप के अंदर वेब व्यू में खोलते थे ना, तो उसमें क्रोम का बहुत पुराना वर्जन होता था। एंड्रॉइड के अंदर की बात करो, एंड्रॉइड में उसमें क्रोम का बहुत पुराना वर्जन होता था। आपको याद होगा पहले एंड्रॉइड में एक अजीब सा ब्राउजर होता था बिल्टन, उसमें उसका वेब व्यू खुलता था, उसमें बहुत सारी चीजें सही से नजर ही नहीं आती थी, उसकी स्पीड भी बहुत स्लो थी, क्योंकि पुराने ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट को रन करने की स्पीड स्लो होती है, ठीक है। वो तो गूगल क्रोम ने जब V8 इंजन लिखा और नया ब्राउजर पूरा बनाया तो तब जाके स्पीड बढ़ी है इसकी, वरना ये तो बत्तख की तरह चलते थे, पैक पैक करते थे, सही है, इतनी स्लो होती थी। तो उसमें वो पुराना वेब व्यू खुला हुआ होता था। तो अब एंड्रॉइड के अंदर आप जब एक नेटिव ऐप को चलाते थे तो वो परफॉर्मेंस अलग मतलब पानी की तरह चलती थी। अच्छा जब आप एक हाइब्रिड ऐप को खोलते थे आयोनिक पे बनी हुई, तो वो चूंकि अंदर HTML CSS है और वो वेब व्यू में HTML CSS स्लो चलता था, तो आप स्क्रॉल भी करते थे ना तो आपको ब्रेक ब्रेक होता था, फीलिंग आती, अच्छे से नहीं चलता।
खासतौर पे लो स्पेसिफिकेशन वाले मोबाइल पे वो बिल्कुल ही सही काम नहीं करता था, और एक एक बटन के क्लिक पे आपको अच्छा खासा वेट करना पड़ता था, क्योंकि वही रिक्वेस्ट जाती थी, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता था। जावास्क्रिप्ट के जरिए रिक्वेस्ट जा रही है, जावास्क्रिप्ट है स्लो, इंटरनेट भले तेज हो लेकिन जावास्क्रिप्ट तो स्लो है, तो क्लिक करते थे आपको वेट करना पड़ता था, रिस्पॉन्स आता था। ये वाले इसके अंदर मसले थे, ये है नंबर एक मसला, ठीक है। अच्छा नंबर दो मसला बताता हूँ मैं भी। आईफोन में ऑन अदर हैंड उन्होंने भी यही हरकत की हुई थी, उनका सफारी जो था वो अपडेट हो चुका था, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता था उनका सफारी, लेकिन उन्होंने भी वेब व्यू में सफारी का इतना पुराना वर्जन दिखाया डाला हुआ था अपने फोन में कि जिसके अंदर वो वही वाला मसला इसमें भी था। अच्छा इन दोनों ने ऐसा क्यों किया था, इनकी ये केस स्टडी है, आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये हरकतें कर रहे थे। एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ने भी यही किया था, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को अपडेट ही नहीं करता था, उनको लगता था कि अगर हम शायद इसको अपडेट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि लोग ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन ज्यादा यूज करेंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ज्यादा एफिशिएंट होती है, ये होता है वो होता है। जाहिर है जो कॉर्पोरेट वाले बंदे हैं या जो लाइसेंस पे यूज कर रहे होते हैं एंटरप्राइज लाइसेंस में, उनको वो अलाउ नहीं करते विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वाले कि वो बिल्ट इन ब्राउजर के अलावा किसी और पे यूज करें। अब अगर वो कहेंगे ना गूगल क्रोम पे मैं चला रहा हूँ और ये पेज सही तरह खुल नहीं रहा, तो वो कहेंगे भाई गूगल क्रोम की जिम्मेदारी हमारी नहीं, वो कहेंगे एक्सप्लोरर पे अगर नहीं चल रहा तो बता दो। सही है, तो वो बेचारे मजबूर हैं जो एंटरप्राइज में। अब जाहिर है एक बिल्डिंग है उसके अंदर 5000 कंप्यूटर है, अब 5000 कंप्यूटर के अंदर अगर माइक्रोसॉफ्ट वाले मना कर दें कि यार गूगल क्रोम पे हम सपोर्ट नहीं देंगे, तो एक एक एम्प्लॉय के पास क्या ये बंदा रखें उसको सही करने के लिए? जाहिर है जिसके पास प्रॉब्लम आई है ये उसको कहेंगे कि यार आईटी वाले को आप ईमेल करें और माइक्रोसॉफ्ट का बंदा आपको फोन कर लेगा, फोन करके आपका जो भी एक्सेस लेगा उसको सही कर देगा आगे। तो इस मसले की वजह से उनकी मजबूरी थी कि वो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज, और अभी भी है, ठीक है, अभी भी वो कहते हैं भाई गूगल क्रोम हम नहीं जानते, गूगल क्रोम तो है ही बेकार, हमारा वाला यूज करो, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो इनको लगता था अगर हम इस तरह से करेंगे ना तो एंटरप्राइज वाले डिमांड करेंगे कि यार हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना दो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनवाएंगे अपने लिए। उनकी काम ख्याली थी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का दौर एकदम खत्म हो चुका है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सिर्फ वही मौजूद है जो गूगल क्रोम वगैरह और ये हो, बल्कि अब तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन से वीएस कोड है वो जावास्क्रिप्ट पे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के नाम से लाइब्रेरी मौजूद है उसके जरिए आप वो बना रहे होते हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन उनकी बिल्कुल ही क्रैश हो गई, जो उन्होंने सोचा था ना उसका बिल्कुल उलट हो गया। यही एंड्रॉइड को भी लगता था, गूगल को लगता था कि अगर मैंने ना अगर वेब व्यू दे दिया लेटेस्ट वाला गूगल क्रोम वाला, तो फिर एंड्रॉइड के स्टोर पे एप्लीकेशन कौन डालेगा बना के, लोग तो फिर वेब बनाना शुरू कर देंगे। और कहीं किसी हद तक वो सही भी हुआ, लोग ऐप बना के डालते हैं, प्ले स्टोर भरा पड़ा हुआ है, हर तरह की ऐप उसमें मौजूद है। अगर वो ये काम नहीं करते तो लोग प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन पे मूव करते हैं। अब प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन जो है जो मोबाइल ऐप पे चलती है वो अभी तक किसी ने भी उसको पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया, और यही जिद है उनकी बस और कोई वजह। प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन में सारे मोबाइल ऐप वाले काम हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं करने देते। तो अब गूगल वाले सोचते थे कि अगर हमने क्रोम को अगर कर दिया ना तो वो तो आईफोन में भी सेम चलेगी ऐप, तो प्ले स्टोर तो खाली हो जाएगा मेरा, इस वजह से वो उसको अपडेट नहीं करते। अच्छा फिर ऑन अदर एंड आईफोन वाले, आईफोन को भी लगता था कि अगर मैंने ये वाला काम कर दिया, अगर हाइब्रिड ऐप में मैंने वेब व्यू वगैरह दिखा दिया तो हमारे प्ले स्टोर में तो लोग ऐप डालेंगे, वो तो वेब एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे। तो इन सब लोगों ने ना मिलके मुत्तफिका तौर पे वेब की टेक्नोलॉजी को दबाने की कोशिश की कई सालों तक इन्होंने इसको दबाने की कोशिश की। अच्छा फिर जब क्या हुआ कि लोगों ने ये पॉलीफिल वगैरह का तरीका ढूंढ लिया कि भाई आपका ब्राउजर अगर पुराना भी है ना तो आप उसमें पॉलीफिल डाल के नई चीजें चला सकते हैं लोगों ने ये तरीका ढूंढ लिया, आप जावास्क्रिप्ट में ऐसे तरीके इंट्रोड्यूस करवा दिए गए कि आप उसका जो बिल्ट इन इंजन है ना उसको छोड़ के अपनी मर्जी का इंजन इस्तेमाल कर सके। तो इनको लगा कि यार अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो इन्होंने फिर फौरन किया कि अपने वेब व्यू को अपडेट कर दिया और अब जो है ना कहानी थोड़ी मुख्तलिफ हो गई है। अच्छा अभी आप देखें इन्होंने वीएस कोड वालों ने ब्राउजर पे वीएस कोड खुलता भी है और बस टर्मिनल नहीं चलता उसमें वो भी चलने लग जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं vscode.dev कोई फर्क नहीं है,
क्योंकि ये भी जावास्क्रिप्ट है, बिल्कुल सेम है। अच्छा मैं यहां से अगर, बल्कि इसमें मुझे एक और भी बेनिफिट है, मेरा जो गिटहब है ना वो डायरेक्ट खुलता है इस पर, ओपन रिमोट रिपोजिटरी, ओपन गिटहब रिपोजिटरीज, ये मेरा गिटहब ना डायरेक्ट एक्सेसिबल है यहां से, सब सब सेम है, सब सेम है। टर्मिनल अभी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, बीटा में चल रहा है ना अभी, अभी टर्मिनल डालेंगे ये। ये देख रहे हो मेरी ये सारी रिपोजिटरी आ गई, रिएक्ट चैट स्क्रीन डायलॉग फ्लो वेब डेवलपमेंट क्लास, ये तुम्हारी वाली क्लास खुल गई, जो तुम्हारी वाली क्लास का पोर्ट था ना वो ये खुल गया साथ में। अब यहीं पे मैं इसको रन भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ अभी इसमें टर्मिनल नहीं है, वरना जैसे HTML CSS के प्रोजेक्ट तो आप पूरे ही कर सकते हैं CDN लगा के, सही है भाई, वही सेम कोड यहाँ पे खुल गया। हाँ नहीं है तो काफी, ये साल तकरीबन हो गया इसको, लेकिन ये पहले बिल्कुल ही ब्रेक हो जाता था, ब्रोकन था, अब तो स्टेबल हो गया काफी है। सिर्फ टर्मिनल का इशू रह गया, बाकी तो आईपैड के ऊपर कोई तरीका नहीं था कि जिससे आप ये कोड लिख सकें। आईपैड लोग क्या करते थे, उसको रूट मारते थे और रूट करके उसमें लिनक्स इंस्टॉल करते थे आईपैड में, और फिर उस पर लोगों ने जुगाड़ें की भी थी। लेकिन जब से ये आया है तो आप कीबोर्ड तो उसमें होता है अलग से लगा सकते हैं, आप ये वाला VS कोड आपने खोला और छोटी मोटी, आप छोटी मोटी की अच्छी खासी चेंजेस कर सकते हैं आप वर्डप्रेस वगैरह। फिर दूसरा ये कि आपका जो कोड है वो क्लाउड 9 हो गया और इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप गिटहब का लिंक बता देना तो वो रियल टाइम प्रोजेक्ट को रन करता है। आपने लिंक के कमिट किया, अगले टैब में गया, वहाँ प्रोजेक्ट रन हो रहा है आपका। तो टर्मिनल नहीं भी है ना तो दूसरे प्लेटफॉर्म ऐसे मौजूद हैं जो जिसपे ये काम हो रहा है, जैसे सैंडबॉक्स है, जो कोड सैंडबॉक्स है रिएक्ट वालों का, वो उसमें कैसे चलता है, उसी तरह चलता है, क्लाउड पे आपका चीज एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो इसमें वो चीज अभी डाल रहा है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है इनको, कुछ शायद मसला फंस गया हो मे बी, तो ये उसको अभी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट इसमें फिर क्या करेगा, अगला काम वो ये करेगा, अगला हरिको माइक्रोसॉफ्ट। बाई द वे माइक्रोसॉफ्ट का पूरा अपना क्लाउड है, गूगल क्लाउड के लेवल का वो क्लाउड प्रोवाइडर है। अगला काम वो ये करने वाला है, वो कहेगा यहाँ पे ऐप चल रही है ना आपकी, package.json लिखा हुआ है आपका, आपने npm स्टार्ट किया, आप कोड लिखते जाएंगे और डिप्लॉय का बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है आपको, वो सेव करेंगे तो सर्वर पे सेव हो रहा है डायरेक्ट लिखो डायरेक्ट चलेगा, रियल टाइम में अपडेट होंगी चीजें आपकी। अच्छा ब्रांच आप बता दो कि मास्टर ब्रांच जो मेरा प्रोडक्शन, आप डेव में चेंजेस करते रहे, चेंजेस करके आप जैसे ही मास्टर में करेंगे पहले से डिप्लॉय हुआ। अच्छा फिर वो कहेगा कि आप रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रिएक्ट नेटिव में आपने कोड लिख रहे हैं, आप बिल्ड कर रहे हैं, किसी भी टाइम आप चाहें बिल्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना फोन लगाएं तार के साथ और फोन में वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। ये तो अभी सिर्फ पीसी में हो सकता है, ये ब्राउजर के अंदर ये चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये करने वाला है बहुत जल्दी। तो इससे क्या होगा कि आपको ना फिर ये नीड नहीं रहेगी कि कंप्यूटर आपके पास कौन सा है नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी आपके पास अगर मैक नहीं है तो आप iOS की बिल्ड नहीं निकाल सकते, iOS के लिए आप ऐप नहीं निकाल सकते बिल्ड, क्योंकि वो एक्सपोर्ट में होती है, एक्सपोर्ट इसमें, लेकिन वो तो कर रहे हैं अपने पास क्लाउड के ऊपर। तो आपके पास iPad हो ना अगर, बिल्कुल छोटा कंप्यूटर iPad, तो आप ये सारे काम डेवलपमेंट के उसमें भी कर पाए। तो ये कहानी बिल्कुल कहीं और जा रही है, और ये आज से 2-4 साल पहले ही हो जाता अगर ये सारे मिलके ना वेब को दबाते नहीं। अच्छा तो अब इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोग सोच रहे थे उस वक्त यार मोबाइल ऐप में ऐसा क्या किया जाए कि एक जगह कोड लिखे और वो दोनों पे चले, भाई ऐसा कोई तो हल निकालना था। तो इन्होंने फिर ये वाला तरीका सोचा। इस तरीके में क्या होता है कि इसमें HTML CSS का नामो निशान भी नहीं, कोड आप लिखते हैं HTML CSS में, बल्कि JSS में लिखते हैं, HTML CSS में भी आप बिल्ड मारते हैं तो ट्रांसलेशन होती है, एक्चुअली JSX से ट्रांसलेट हो जाता है वो स्विफ्ट UI के अंदर, ठीक है। स्विफ्ट का जो कोड है उसको स्विफ्ट UI कहते हैं, और इधर जो एंड्रॉइड है आपका, इसमें अभी जो लैंग्वेज है करंट वो कॉटलिन, पहले जावा पे बनता था, अभी कॉटलिन उन्होंने अपनी बना ली है। मसला ये था कि जावा वाले मांग रहे थे पैसे, कह रहे थे हमारी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया पैसे को, तो इन्होंने जल्दी जल्दी फिर अपनी लैंग्वेज बना ली कॉटलिन के नाम से। तो इसमें कॉटलिन में कन्वर्ट हो जाता है कोड। अच्छा कॉटलिन के अंदर जो UI बनती है वो बनती है XML में, तो XML में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा इसी तरह जो आपकी जावास्क्रिप्ट है
वो भी कन्वर्ट हो जाती है साथ साथ उसके। अच्छा तो जावास्क्रिप्ट जो है वो फास्ट इनफ है किसके लिए, उस पे चलने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट को चूंकि स्टेट ऑफ द आर्ट लैंग्वेज बन चुकी है PS6 आने के बाद, तो उसका जो सिंटेक्स है ना स्विफ्ट का, अगर आप वो देखें तो वो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह, क्योंकि जो नया वाला सिंटेक्स है ना एरो फंक्शन और ये चीजें ये सारी उसके अंदर भी सेम है। तो इन्होंने एक ट्रांसलेटर लिख लिया है जो जावास्क्रिप्ट को भी कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और इस तरफ जो है स्विफ्ट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से आपके पास जो ऐप बन के आती है ना, एंड रिजल्ट जो आता है आपको, वो बिल्कुल नेटिव ऐप के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा अब क्या चीजें इसमें पॉसिबल है और क्या चीजें इसमें पॉसिबल नहीं है, तो नंबर एक तो ये हो गया कि बेसिक ऐप के लॉग इन साइन अप हो रहा है, पोस्ट आ रही है, पोस्ट कर रहे हैं आप, इसमें तो ये बिल्कुल ही एफिशिएंट है, 100% इक्वल है नेटिव के। अच्छा जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि आयोनिक में जो पहले हाइब्रिड ऐप की टेक्नोलॉजी थी उसमें दो मसले थे, एक तो मैंने बता दिया कि HTML CSS था वो स्लो था, पुराना था, दूसरा मसला उसमें ये था कि भाई आपको अगर प्लगइन इंस्टॉल करने हो ना तो उसके अंदर प्लगइन बहुत ही स्लो चलते थे। उसमें कॉल्डोवा के नाम से प्लेटफॉर्म था, उन्होंने बहुत सारे प्लगइन बना के रखे हुए थे। अच्छा तो कॉल्डोवा के अंदर क्या होता था कि आपका एक प्लगइन होता था, उसके अंदर दोनों कोड लिखे हुए होते थे, जावास्क्रिप्ट एंड्रॉइड का कोड अलग होता था और iOS का कोड उसमें अलग होता था, और उसको उसके साथ ऐड किया जाता था। तो अब पता नहीं क्या मसला था कॉल्डोवा के अंदर, कॉल्डोवा का बिल्टन मसला था कि कॉल्डोवा के प्लगइन बिना वजह स्लो हो गए। अच्छा इसमें उन्होंने उस मसले को भी टैकल कर लिया, इसमें प्लगइन निस्बतन फास्ट है, स्लो है लेकिन निस्बतन फास्ट, ठीक है, इसके प्लगइन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इक्वल है नेटिव के। अच्छा असल में प्लगइन में होता क्या है, प्लगइन में लिखे होते हैं 2000 कोड, दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड लिखा हुआ होता है, एक iOS का कोड अलग होता है कि iOS में कैमरा ओपन कराना, पिक्चर लेना और उसको देना जावास्क्रिप्ट को, इसका कोड पूरा है, एंड्रॉइड का भी ये पूरा कोड है। जब आप बिल्ड निकालेंगे ना एंड्रॉइड के लिए तो ये पार्ट उसमें ले लेगा, वो बाकी छोड़ देगा, जब iOS के लिए निकालेंगे तो ये पार्ट ले लेगा बाकी छोड़ देगा। तो आप जब बटन प्रेस करेंगे कि कैमरा ओपन करो तो वो कोड चलता है वो वाला। अच्छा वो कोड जो लिखा जाता है वो जावास्क्रिप्ट में नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है डायरेक्ट कॉटलिन में और स्विफ्ट में, तो वो कोड बाय डिफॉल्ट नेटिव है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है स्टिल वो प्लगइन थोड़ा सा स्लो है बिल्कुल नेटिव से। अच्छा ये तो हो गया परफॉर्मेंस की बात। अच्छा परफॉर्मेंस के बाद जो लिमिटेशंस हैं इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, हमने ये देखा कि परफॉर्मेंस आयोनिक के निस्बत प्लगइन की इसमें माइनर सा फर्क है, 80%, लेकिन फिर भी ये इक्वल है। अब लिमिटेशंस की हम बात नहीं हो पाता, अगर कोई डेवलपर ने ज्यादा बड़ा ब्रांड नहीं मारा हो तो फिर नहीं होता। जो इंस्टाग्राम है वो रिएक्ट नेटिव पर बनी हुई है, इंस्टाग्राम यूज किया सबने, कभी स्लो करती है ना थोड़ा थोड़ा, वो इसी वजह से करती है, नहीं वो कुछ उसमें छोटे हैं, लैग मारती है कुछ जगहों पर, रिएक्ट नेटिव के ही मसले हैं इस वजह से मारती है, लेकिन ये है कि भाई फिर भी प्रोडक्शन में चल रही है, तो लाखों लोग उसको यूज कर रहे हैं तो सही है, इतना चलता है, इतने में मसला नहीं है। तो हाँ पता नहीं चलता इतना, फेसबुक इटसेल्फ भी उस पर बनी हुई है रिएक्ट नेटिव पर, जो फेसबुक की मोबाइल ऐप है इस वक्त करंटली वो रिएक्ट नेटिव पर बनी हुई है, तो जो जो फेसबुक की ऐप में हो रहे हैं ना वो सारा इसमें हो सकता है। अच्छा तो लिमिटेशंस की अब हम बात कर लेते हैं कि रिएक्ट नेटिव में क्या काम हो सकता है और क्या काम नहीं हो सकता। नंबर एक, रिएक्ट की ऐप में जो जो कुछ हो सकता है ना वो तो सारा सीधा सीधा होगा, कंपोनेंट वही है, सब कुछ वही है, वो तो सीधा सीधा सेम है। अब आ जाते हैं प्लगइन पे, प्लगइन के ऊपर, इसके अंदर प्लगइन लिमिटेड है, सही है, जाहिर है अनलिमिटेड प्लगइन तो हो नहीं सकते, जो चीजें लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है उसी का प्लगइन होगा, प्लगइन लिमिटेड है, जैसे कैमरे का प्लगइन है, जैसे वाइब्रेटर का प्लगइन है, फ्लैश लाइट का प्लगइन है। अच्छा जितने आपको फंक्शनैलिटी चाहिए प्लगइन अलग अलग आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल करने से भी आपकी ऐप स्लो डाउन समटाइम हो जाती है। अच्छा फिर आपके पास जो फ्लैश लाइट को ऑन करने का प्लगइन है उसकी फंक्शनैलिटी, जो प्लगइन का जो ऑथर था ना जिसने प्लगइन लिखा है उसने जो लिख दिया ना उतना ही आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर उसने 3 फंक्शन दिए, टर्न ऑन, टर्न ऑफ और चेक स्टेटस, 3 फंक्शन दिए, तो आप चौथा कोई काम आप फ्लैश लाइट के साथ नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे हो चौथा काम क्या होगा, ब्लिंक,
सही है, या अगर कोई फ्लैशलाइट कलरफुल है, कुछ फोन में फ्लैशलाइट में दो कलर होते हैं, तो आप चाह रहे मैं एक कलर जलवाऊं दूसरे को बंद रखूं, तो आप ये नहीं कर सकते। हाँ, उसका इंटेंसिटी वगैरह भी होती है फ्लैशलाइट में कि आप डिम करके जलाएं, तेज करके जलाएं, कितना जलाएं। तो अगर वो ऑथर ने वो फंक्शनैलिटी नहीं लिखी ना अपने स्विफ्ट के कोड में, तो वो आप काम नहीं कर सकते। जितना ऑथर ने लिखा है उतना आप ये देखते हैं कि ऑथर कितना इसमें समझदार लोग हैं जो ये प्लगइन लिख रहे हैं, और कितना ज्यादा वो फंक्शनैलिटी आपको देते हैं। अच्छा, लोग पसंद करते हैं मिनिमल फंक्शनैलिटी, बाय द वे प्लगइन में लोग मिनिमल पसंद, क्योंकि अगर बहुत लंबा कोड उसने लिख दिया ना सिर्फ फ्लैश लाइट का, तो आपको तो करवाना सिर्फ ऑन, बिना वजह इतने बड़ा प्लगइन आपके लोड हो गया, तो दोनों साइड से मसला है। तो ये एक आ गया भाई लिमिटेशन इसके अंदर। कैमरे के प्लगइन की जैसे हम बात करते हैं, अब कैमरे को ओपन का बटन अगर दबाया जाए तो कैमरे का जो इंटरफेस खुलता है उसमें आपने देखा होगा कि मेरे पास, बल्कि अभी मैं एक ऐप यूज कर रहा था आज ही, उसमें वही वाला प्लगइन लगा हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या नाम है उसका। हाँ पूछो। अभी मैं उस पर आता हूँ तुम्हारे सवाल में। अच्छा, ये एक ऐप है, इसका नाम है वोम्बो। अच्छा, इसमें मैं गया और मैंने कैमरा ओपन किया। अब ये जो कैमरा ओपन हुआ है ना, ये देख रहे हो, ये जो कैमरा ओपन हुआ है इसके अंदर मैंने इसको प्रेस किया, ये फोटो इसने खींच ली, ये ऐप नहीं, कोई दूसरी ऐप थी, कोई दूसरी ऐप थी। अच्छा नहीं नहीं वो कोई दूसरी ऐप थी, वो ये नहीं, पता नहीं है, पर रिसेंटली मैंने कोई ऐप यूज की थी उसमें वही वाला लगा था। तो खैर, उसमें क्या होता था ना कि आप, आपके पास वो दो ऑप्शन आ जाते थे, आपने फोटो कैप्चर की, एक्सेप्ट और रीटेक। देखा है बहुत सारे फोन में ऐप में आ रहा होता है कि इसको आप एक्सेप्ट करें या रीटेक करें। तो जब आप कैमरा ओपन करते हैं तो एक यूनिवर्सल सी स्क्रीन खुलती है, और वो कई ऐप में आपने वो स्क्रीन देखी होगी, सेम होती है, और जैसे ही आप टेक करते हैं तो उसको एक्सेप्ट आ जाता है और रीटेक का बटन आ जाता है। वो रिएक्ट नेटिव का प्लगइन है, वो जिसमें भी लगा हुआ ना समझ जाएगा रिएक्ट नेटिव की बनी हुई है। उसकी जो यूआई है ना कैमरे की, उसके अंदर ऑप्शन, वो सारे ऑप्शन नहीं आ रहे होते जो कैमरे पे होते हैं, वो सारे ऑप्शन उसमें नहीं आ रहे होते। मिसाल के तौर पर मेरे कैमरे में ऑप्शन है कि मैं फ्लैश को 3 मोड में कर सकता हूँ, ऑटोमेटिक HDR ऑन कर सकता हूँ, वो उसमें नहीं आ रहा होता। मतलब कहने का ये है कि जो कैमरे का प्लगइन है ना रिएक्ट नेटिव का, एक प्लगइन नहीं है वैसे, 4-5 है, तो आप सबको चेक कर सकते हैं कौन क्या कर रहा है, उसमें वो सारी फंक्शनैलिटी आपको समटाइम नहीं मिल पाती। जाहिर है वो कैमरे के बेसिक फीचर के साथ उसने लिख के और पब्लिश कर दिया, वो आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो आप अगर ये चाह रहे हैं कि कैमरे के ऊपर बना हुआ, जैसे इसमें बना हुआ था ना मुंह ऐसे, फेस ऐसे बना हुआ जाए कैमरे के ऊपर, तो शायद ये प्लगइन में अगर मौजूद नहीं है, अगर डेवलपर ने ये फीचर नहीं रखा उसमें ये ड्रॉ करने वाला, तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते। वो प्लगइन के जो ऑथर ने जो जो फंक्शनैलिटी दी है ना वही आपको मिलेगी। अच्छा, इसी तरह गूगल मैप का भी एक प्लगइन है, उन्होंने खुद ही बना के डाला है गूगल मैप वालों ने। अच्छा, तो उसके अंदर जो जो ऑप्शन गूगल मैप वालों ने दे दिए वो सारे ऑप्शन उसमें होंगे। अच्छा, गूगल मैप में सारे ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं अवेलेबल। उसका रीजन ये है कि वो गूगल मैप वालों ने खुद लिखा है, वो चाहते हैं कि लोग उसको यूज करें, तो जिन लोगों ने गूगल मैप की लाइब्रेरी लिखी है उन्होंने एक प्लगइन लिखा है, तो इसमें आपको 100% फंक्शनैलिटी मिल जाती है। सही है, तो मतलब ट्रेड ऑफ है हर चीज का, कुछ में आपको सारी नहीं मिलेगी, कुछ में सारी मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरफ एक फेसबुक की भी उसके अंदर प्लगइन है, लॉग इन विद फेसबुक के लिए है, उसके अंदर पहले से कोड लिख कर दिया हुआ है। लॉग इन विद फेसबुक में क्या होता है, बटन प्रेस करते हैं फेसबुक का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है फेसबुक की ऐप में, फिर आप ओके करते हैं वो वापस आपको आपकी ऐप में ले जाता है, तो उसमें सारी फंक्शनैलिटी में फेसबुक वालों ने खुद लिखा हो। तो ये चक्कर है प्लगइन्स का। अच्छा, अगर आपको कैमरे के प्लगइन में कोई ऐसा फीचर चाहिए जो उसमें ऑथर ने नहीं लिखा है, तो आप अपनी प्लगइन खुद भी बना सकते हैं। भाई जाहिर है प्लगइन जिसने बनाया वो भी तो कोई डेवलपर ही था ना, लेकिन वो प्लगइन बनाने के लिए आपको कॉटलिन आनी चाहिए और स्विफ्ट भी आनी चाहिए। कुछ प्लगइन आपको स्टोर में बाय द वे ऐसा भी नजर आएगा जो सिर्फ iOS के प्लगइन होंगे, सिर्फ iOS में ही प्लगइन वो काम करेगा। सही है, कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ एंड्रॉइड के भी होंगे,
अब मिसाल के तौर पे कोई ऐसा फीचर है जो है ही सिर्फ iOS में, आईफोन में ही सिर्फ फीचर है वो, तो वो तो उसमें नहीं मिलेगा आपको। बताओ कौन सा ऐसा फीचर है। लाइडार, एक लाइडार सेंसर उन्होंने अभी लॉन्च किया, वो पीछे की साइड ना कैमरे के साथ एक कैमरा, दूसरा इंफ्रारेड कैमरा है, लाइडार टेक्नोलॉजी, उससे क्या होता है 3D स्कैन कर सकते हैं आप। तो वो जो प्लगइन है जाहिर बात है वो तो एंड्रॉइड के लिए तो नहीं होगा। तो अगर आप अपना कैमरे का प्लगइन बनाना चाह रहे हैं, आपको सिर्फ iOS की ऐप चाहिए, तो आप स्विफ्ट में वो प्लगइन अपना लिख सकते हैं, या पहले से लिखे हुए प्लगइन को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसके लिए आपको स्विफ्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट में वो लिखा हुआ क्योंकि होता नहीं प्लगइन, ठीक है। तो जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में जब आप कैमरा खोलते हैं तो आपने नोट किया होगा उसमें कैमरा बड़ा अलग सा खुलता है, और उसमें जो सारे फीचर कैमरे में होने चाहिए इंस्टाग्राम के अंदर, वो सारे उसमें है मौजूद। तो उन्होंने क्या किया है कि एक जो मेन ऐप है वो तो बनाई है रिएक्ट नेटिव पे, लेकिन उसमें जितने भी प्लगइन इंस्टॉल हो रहे हैं ना, उस प्लगइन के लिए अलग डेवलपर रखते हैं, वो प्लगइन लिखते हैं और वो फिर इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्लगइन, ठीक है। तो काइंड ऑफ हाइब्रिड ऐप ही है ये, क्योंकि उन्होंने दोनों डेवलपर रखे हैं, दोनों का कोड लिख रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है, आप YouTube पे जब सर्च करेंगे तो आपको एक मिथ मिलेगी, मिथ नहीं है वो रियलिटी है असल में, कि Instagram की जो सेम ऐप है वो आईफोन पे अच्छा रिजल्ट देती है। आईफोन भले पुराना भी हो, उस पर उसका कैमरा अच्छी तरह काम करता है। एंड्रॉइड फोन के अगर आपके महंगे वाला भी फोन हो तो उस पर वो उस तरह से काम नहीं करता। तो वो क्यों है ऐसा भाई? अगर प्लगइन लिखा हुआ है, कैमरे का प्लगइन है, तो कैमरे का प्लगइन तो सेम होना चाहिए दोनों पे। लेकिन मसला ये है कि दो 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 कोड हो गए ना प्लगइन में भाई, तो iOS का जो कोड होगा वो जितना एफिशिएंट होगा वो iOS में उस तरह एफिशिएंट चलेगा। हो सकता है एंड्रॉइड जो कोड लिख रहा है उनका डेवलपर, वो डेवलपर ही थका हुआ होगा, उसने कोड में क्या मेमोरी लीक मारा हुआ, तो इस वजह से जब एंड्रॉइड की बिल्ड निकलती है सेम ऐप में तो सही काम नहीं करती, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात, जो लोगों का कंक्लूजन है, जो कम्युनिटी ने आकर में कंक्लूड किया कि अच्छा है ये मसला है, वो मसला ये है कि आईफोन के अंदर मॉडल लिमिटेड है, 10-12 मॉडल है इनके टोटल, जो 2007 से इन्होंने 10-12 ही मॉडल निकाले हैं टोटल, ऐसे ही है ना, 4-5 से शुरू हुए थे और 5 से लेकर 10 तक और अभी 12 तक, तो कितने हो गए टोटल 10-12 है, 13, मतलब 13 को 4 से माइनस करो ना, 3 से लेकर 13 तक गए, अभी 3 से लेकर 13 तक गए ना, जिसमें 9 मिसिंग है, 9 नहीं करते ये अंग्रेजों के अंदर ना एक मिथ है कि 9 जो है मनुष्य नंबर होता है, तो इसलिए 9 ये नहीं करते। विंडोज में भी आपने देखा 8 आई पर 10 आ गई, 9 नहीं करते, ठीक है। 9 नंबर फ्लोर भी नहीं होता गोरो में ना, बहुत सारी बिल्डिंग्स में, बड़ी बिल्डिंग उसमें 9 नंबर फ्लोर ही नहीं होता, उसको वो कुछ बना देते हैं, स्टोर को स्टोर बना देते हैं, कोई लेता ही नहीं 9 नंबर पर। हमारे यहाँ लोग वो छत वाला नहीं लेते, हमारे यहाँ जो पेंट हाउस होता है वो बिल्कुल पौड़ियों में भाव बिकता है, हालांकि दुनिया भर में पेंट हाउस की बड़ी वैल्यू है। और फ्लैट कितने हैं? अच्छा, तुम्हारे इलाके में पेंट हाउस महंगे हैं? अच्छा नहीं, लोगों ने पेंट हाउस में तो भाई बड़े गार्डन वार्डन लगाए हुए होते हैं। अब अगर आपको मैं दिखाऊं ना, एक ये इन्होंने ना छत के ऊपर बनाया हुआ, ये होटल है, ये ऊपर से देख रहे हो, इन्होंने छत के ऊपर ना रेस्टोरेंट बनाया हुआ, ऊपर शीशा वीशा लगा के बड़ा बेहतरीन। अभी कोई सही फोटो नहीं दिख रही उसकी, अबे भाई ये अरब में है, ये UAE में है, UAE के अंदर जब तुम रोड पे चलोगे ना, तो जो हवा आती है ना जोर की, उसके साथ बजरी ऐसी आती है मुंह में भर जाएगी बजरी तुम्हारे, हम मतलब मेरे जैसा बंदा तुम्हारा थूकी फेंकता रहता है, थू 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 मुंह में बजरी खत्म नहीं होती मुंह से, मतलब बड़ी अजीब तुम्हें लग रही होगी शायद, लेकिन ऐसा ही है। और दुबई में भी जो इन्होंने बनाया हुआ है ना रोड, वो सब आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, वो क्या करते हैं इतना इतना दो दो फिट आप मट्टी बिछा देते हैं ऐसी वाली, जो उड़े नहीं,
इस तरह करके तो कंट्रोल किया उन्होंने, वरना सारा रेत है तो यहाँ से बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और टेम्परेचर तो गाड़ी के बम्पर पिघला देने वाला टेम्परेचर है, ठीक है, गाड़ी का बम्पर पिघला है आज तक कभी तुम्हारा? देखा कभी तुमने कराची में किसी का बम्पर पिघल गया खड़ी खड़ी? तो खैर, तो वो आईफोन के जो लिमिटेड मॉडल है, तो वो क्या किया हुआ उन्होंने, जो आईफोन का जो कोड है ना कैमरे का, उसमें हर मॉडल के अंदर जो कैमरे का फोकल लेंथ है और कैमरे का जो अपर्चर है वो एग्जैक्टली उनको पता है कि क्या है। अच्छा, मजे की बात ये कि आईफोन में जो कैमरा आता है 5 में, वही सेम कैमरा 12 में, कैमरा उन्होंने अपडेट ही नहीं किया जिंदगी में कभी, कैमरा सेम ही कैमरा है, कुछ भी नहीं अपडेट किया, सब वही है बेवकूफी, बस अपर्चर थोड़ा सा बढ़ा लिया, वही 12 मेगापिक्सल है, वही वो डिस्टेबलाइजेशन है, लेकिन लेंस सेम है, लेंस चेंज नहीं किया। 2005 में जो क्या 2010 में आया था आई थिंक आईफोन 5, उसमें जो आया था ना 12 मेगापिक्सल पहले 5 होता था, फिर 5 से जो उन्होंने 12 किया तो अभी तक उनको चेंज नहीं किया उन्होंने, तो उनको एग्जैक्टली पता है जाहिर है कि किस मॉडल का अपर्चर कितना है, किस मॉडल में फोकल लेंथ कितना है, तो वो उस हर अलग अलग मॉडल को अलग अलग हैंडल किया हुआ। सही है, जाहिर है अभी जो नए वाले हैं उसके अंदर 3 लेंस है, एक उन्होंने बड़ा वाला दे दिया कि चल ज्यादा लाइट अंदर आ जाए, तो वो सबको एग्जैक्टली पता है कि यार उसमें क्या है। अच्छा, एंड्रॉइड के जो मॉडल है ऑन अदर हैंड वो है अनलिमिटेड, ठीक है, वो है अनलिमिटेड, उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि भाई आप एक एक को अलग अलग हैंडल कर, भाई एक ही मोटरोला के अंदर ही अगर आप मोटो ई की बात करें जो अभी कॉमन सबसे चल रहा है यहाँ पे, उसमें 4 अलग अलग मॉडल है, चारों के कैमरे का अलग अलग स्पेसिफिकेशन, नहीं नहीं E4 में ही सिर्फ प्लस वाला नहीं, सिर्फ E4 जो है उसमें भी अलग अलग मॉडल है, यूरोप वाला अलग है, अमेरिका वाला अलग है, एक वेरिजोन वाला अलग है, और उसका कैमरा अलग है भाई, एक में कैमरा अलग है मेगापिक्सल, दूसरे में अलग है मेगापिक्सल, एक में 4G नहीं चलता, दूसरे में 4G चलता है, ये तो हालत है, देख रहे हो, ये स्पेसिफिकेशन इस तरह चेंज है। तो अगर वो सिस्टम से ये भी डिटेक्ट कर लेना कि मोटो E4 है तो वो भी अलग अलग है, सही है, मोटो E4 में 4-5 अलग अलग मॉडल हैं और अलग अलग उसकी स्पेसिफिकेशन है। अच्छा, फिर शाओमी जितने एप्पल वालों ने जितने फोन 2007 से निकाले हैं ना, शाओमी ने सिर्फ इस साल में निकाल दिए हैं, इस साल में E10, D10, MI10, पता नहीं कौन कौन से प्रो, एक बगैर प्रो वाला, एक लाइट, एक अल्ट्रा लाइट, मतलब 10-12 फोन तो वो यू निकालते हैं ऐसे ही। एक हमारे कोई रिलेटिव है, उन फंक्शन में फोटो खींच रही थी खातून, तो मैंने कहा यार कैमरा तो क्या बेहतरीन कैमरा है आपका, जबरदस्त। तो उन्होंने कहा इन्फिनिक्स है ना मेरे पास, मैंने कहा इन्फिनिक्स कौन सा है एग्जैक्टली, उन्होंने कहा इन्फिनिक्स नोट 8। तो मैंने कहा यार ये तो देखना पड़ेगा इसको, मतलब मैंने कहा सोचा दिल में कि यार आप घर में मुझे फोन चाहिए हो ना तो यही वाला लेके दे दो, नोट 8 एक हॉट अलग है, हॉट अलग है, एक ठंडा गर्म सब अलग अलग किया। तो मैंने सोचा कि यार अगला फोन तो मैं फिर यही वाला लेता हूँ। अच्छा, मैंने ओलेक्स पे लिखा तो उसके साथ साथ नोट 9 भी आ रहा है, मैंने कहा अच्छा नोट 9 शायद आ गया होगा, लेटेस्ट होगा वो, फिर मैंने देखा 10 भी आ रहा है। उन्होंने जनवरी में फोन लिया यार, जनवरी से कितना टाइम हुआ है, 4-6 महीने हुआ है, फिर मैंने देखा नोट 11 भी है, अच्छा नोट 11 में प्रो भी है, अच्छा तो ये सीन चल रहा है, और फर्क कुछ भी नहीं है, वो 25 का लिया था वो ये 32-35 का है। तो मतलब 6 महीने में उन्होंने 4 मॉडल ऊपर नहीं गए। अच्छा, तो ये वजह है, हमने क्या बात की, प्लगइन को हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब प्लगइन आईफोन के लिए जो प्लगइन लिखे हैं इंस्टा वालों ने, उसमें अलग अलग मॉडल को अलग अलग हैंडल किया, यही वजह है कि उसमें वो मोस्ट एफिशिएंट चलता है। अब जाहिर है आईफोन 6 में कितना प्रोसेसर है वो भी तो पता है ना, उसके अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे वो कि हैंग हो जाए। अच्छा, ऑन अदर हैंड एंड्रॉइड के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है, हो सकता है बड़े बड़े 4-5 मॉडल को वो कर लें टैकल, जैसे अभी पिक्सल विक्सल है एक दो और सैमसंग के नोट 20-30, लेकिन उनमें तो ना भी ऑप्टिमाइज करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग पावर ही इतनी है, उसको वैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा कोई, जो मर्जी आप चलाते रहो। तो ये एक फर्क स्टिल नेटिव में भी ये है और हाइब्रिड में तो ये है ही है। अच्छा, ऑन अदर हैंड लिमिटेशन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, लिमिटेशन एक और बता देता हूं, जैसे कि
हमने गेम्स वगैरह देखी हैं, एंड्रॉइड पे गेम्स वगैरह भी बन जाती हैं, रिएक्ट नेटिव पे आप गेम्स वगैरह नहीं बना सकते 3D वाले। वैसे तो जो रिएक्ट में भी गेम बन सकती है वो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे यूनिटी फ्रेमवर्क है तो वो यूनिटी बिल्कुल अलग है, वो गेम ही बनाने के काम आता है। वो वाला काम आप रिएक्ट नेटिव में नहीं कर सकते, रिएक्ट नेटिव उस काम के लिए नहीं बना सकते। ठीक है, रिएक्ट नेटिव में आप पेजेस बना लें, फॉर्म बना लें, कैमरा खुल जाए, वाइब्रेशन हो जाए, सोशल मीडिया टाइप की जो एप्स हैं ये सारी इसमें बनती है। ठीक है, आप छोटे मोटे 3D के अवतार बना के उसको रेंडर भी करवा सकते हैं, उसके भी प्लगइन्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि फुल फ्लैश में गेम बना लूं, जैसे सबवे सफर टाइप का मैं गेम बना लूं, तो आप नहीं बना सकते। अगर बना भी लेंगे आप तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी कि बेहतर ही होगा आप यूनिटी में बना लें। सही है, उससे बेहतर ही होगा कि आप यूनिटी में वो बना लें, उसमें कम मेहनत लगेगी, आसानी से बनेगा, बजाय इसके कि आप रिएक्ट नेटिव में बिला वजह अपने ऊंट को रक्षा में बिठाने के चक्कर में आप लोग। तो ये लिमिटेशन है इसकी, इसका एक खास किस्म का पर्पस है जो जिस तरह की ऐप इसमें बनाई जाती है। आप ये चाहेंगे कि हर चीज इसमें बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन ये कि आप अगर चाहेंगे जैसे iOS है, स्विफ्ट पे आप कोड लिख रहे हैं, तो सिर्फ स्विफ्ट से भी आप गेम नहीं बना सकते, आपको यूनिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके जरिए आप लिखेंगे वो। ठीक है ना, आप अगर ये भी सोचेंगे इसमें सिर्फ मैं स्विफ्ट पे कोड लिखूं और मैं गेम बना दूं, तो आपको फिर एक साल लगेगा गेम बनाने में। सिर्फ एक कार को ना मूव कराने में आपको एक साल लग जाएगा, इतना कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन यूनिटी में क्या होता है, वो कार पहले से बनी नहीं है, आप कार सेलेक्ट करते हैं, ये वाली कार दो, इसका कलर ये कर दो, इसकी स्पीड इतनी कर दो, इंजन इतना कर दो। ठीक है, आपने उसको एक्स वाई की पोजीशन पे खड़ा किया, आपने कहा सीधा नहीं हुआ, कार मूव हो जाती है। ठीक है, तो उन्होंने पहले से सेटिंग की है। पबजी के जैसा गेम यूनिटी के ऊपर आप एक महीने में तैयार कर सकते, उसमें वो पूरे प्लेन्स पहले से बने हुए, अलग अलग किस्म के घर पहले से बने हुए, आप वो घर सेलेक्ट करें, ये घर यहाँ रखो, ये दरख्त यहाँ रखो, ये पौधे इधर रखो, यहाँ पे पहाड़ लगा दो, वो सब बने हुए हैं पहले से उसके अंदर। तो वो एक बिल्कुल अलग पर्पस के लिए फ्रेमवर्क बना हुआ है, उस फ्रेमवर्क के ऊपर आप वो काम करते हैं, तो आप रिएक्ट नेटिव पे ये वाले काम नहीं कर सकते। अच्छा जी, हाँ हाँ अच्छा, आपके दोस्त कह रहे हैं कि यार गेम्स तो वेबसाइट पे भी चल जाती हैं, तो वो कैसे चलती है? अच्छा, जावास्क्रिप्ट में भी गेम बन जाती है वेब वाली, लेकिन ज्यादातर जो वेब में आप गेम खेलते हैं ना, इस वक्त जो खेल रहे होते हैं गेम, वो नंबर एक तो बनी हुई होती है फ्लैश पे, लेकिन फ्लैश है बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी। सही है, अब उस पर भी नहीं होता। अब ओपन जीएल 2.0 है टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वेब जीएल और ओपन जीएल, वो जितने भी मेजर ब्राउजर है उसमें उनकी सपोर्ट आ चुकी है। मतलब ब्राउजर को एक्सेस होता है ग्राफिक कार्ड पर। ओपन जीएल का मतलब क्या है, या वेब जीएल के ब्राउजर को एक्सेस होता है ग्राफिक कार्ड पर। इससे पहले जिसमें ओपन जीएल सपोर्टेड नहीं है, जिन डिवाइसेस में, उसमें आपको ग्राफिक कार्ड का एक्सेस नहीं होता। सही है, जैसे ये अभी ये वाले जो लैपटॉप है, इनके अंदर उन्होंने ग्राफिक के अलग कोर दिए हैं, जीपीयू 8 कोर जीपीयू अलग से दिया हुआ है। तो अगर इस पे मैं कोई चीज चलाऊंगा और ओपन जीएल सपोर्टेड वाला ब्राउजर इंस्टॉल करूंगा, जैसे कि गूगल क्रोम और सफारी, दोनों में ओपन जीएल सपोर्टेड है, तो उसको उन कोर्स का एक्सेस होगा। तो उसकी ओपन जीएल की फिर प्रोग्रामिंग पूरी अलग है, उसमें आप देख सकते हैं 3D मॉडलिंग, 3D रेंडरिंग, सब कुछ उसमें हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो जाहिर है वेब डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, वो वेब डेवलपमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है वो। कि आप वेब ब्राउजर के ऊपर ना, इसमें फिर एक चीज और भी है, वेब असेंबली। वेब असेंबली के जरिए तो आप पूरी GTA 5 चला सकते हैं ब्राउजर के ऊपर, अभी तक हुआ नहीं है। उसका रीजन भी है, वेब असेंबली की पूरी तरह सपोर्ट नहीं आई है अभी तक, ना क्रोम में आई है ना सफारी में। तो जिस दिन ये सपोर्ट आ गई पूरी तरह, रॉकस्टार वालों का क्या है, वो 4-5 बंदों की एक टीम बिठाएंगे, वो कहेंगे भाई मारो। ठीक है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने पोर्ट हो जाएगा पूरा, तो GTA 5 डायरेक्ट ब्राउजर पे चलेगी आपके पास। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। npm install expo cli, मैंने कहा टर्मिनल, और टर्मिनल पे जाके मैंने कहा npm install expo cli। मेरे पास पहले से भी इंस्टॉल है, लेकिन मैं दोबारा कर ले रहा हूँ कि हो सकता है छोटी मोटी कोई अपडेट आई हो। ये जनाब इंस्टॉल हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा expo init my awesome app। रिएक्ट में हम क्या लिखते थे, cli का नाम, क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसके अंदर नाम है इसका expo। सही है, ये मैंने नॉर्मल टर्मिनल पे लिखा है,
बस सीधा सीधा टर्मिनल खोले, ये क्योंकि ग्लोबल इंस्टॉल है, ये किसी खास प्रोजेक्ट में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ग्लोबल इंस्टॉल हो रहा है, तो ये आप कहीं पे भी चला दें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो इनिट है, ये जहां पे लिखेंगे आप उसी फोल्डर के अंदर वो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, सही, उसी फोल्डर के अंदर वो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, तो आपको उसी फोल्डर के अंदर जाके देखना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसको, और इसको कॉपी करने के बाद इसको क्या हो गया भाई, इंस्टॉलेशन के लिए टाइम लगा रहा है। फ्लटर से याद आया, कल एक फ्लटर की वर्कशॉप है यहाँ सैलानी में, मैं भी उसमें कोशिश करूंगा आने की, आप भी अगर उसमें आना चाहें तो आप भी आए, उसमें थोड़ा हेलो वर्ल्ड वगैरह शायद वो बनवाए। आज 7 बजे तक था वैसे टाइम, आज तो टाइम निकल गया, घड़ी भी बंद हुई थी, और ये सूडो नहीं लगाया। यार मैंने जो रिएक्ट नेटिव का भी आप लोगों को पूरा ओवरव्यू दिया ना, कि रिएक्ट नेटिव में क्या पॉसिबल है क्या नहीं है, कहाँ पे लिमिटेशंस हैं, ये जाहिर है ये सारी चीजें आपको फ्लटर में भी समझनी पड़ेंगी। अब ऐसे दो वर्ड में आप अगर सवाल पूछे ना कि कौन सा सही है, मैं कहूंगा दोनों सही है, लेकिन दोनों की टारगेटेड ऑडियंस अलग है, दोनों के यूज केसेस अलग है, समझ रहे हो बात, तो ये वाला मसला है। मैंने जैसे बताया ना कि इसके अंदर किस किस्म की ऐप आप बना सकते हैं, किस किस्म की आप नहीं बना सकते, क्या क्या लिमिटेशन है, तो जाहिर है उसमें भी ये लिमिटेशन है, ये वाली वो किस तरह से काम करता है, उसमें क्या लिमिटेशन है, किस तरह की ऐप के लिए उसको बनाया गया है, जाहिर है ना, एक फ्रेमवर्क बनाते हुए भी एक जहन में आइडिया होता है कि भाई ये जो मैं फ्रेमवर्क बना रहा हूँ उसमें इस तरह की ऐप बनाई जाए, ठीक है, तो वो फ्लटर की जाहिर बात है इस चीज को हम कहते हैं फिलोसफी, कि फ्लटर के पीछे फिलोसफी क्या है, रिएक्ट के पीछे फिलोसफी क्या है, तो वो फिलोसफी आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मुझसे एक जुमले में पूछेंगे, मैं कहूंगा भाई दोनों सही, वो रिएक्ट नेटिव भी चल सकती है ना, डेस्कटॉप पर टैबलेट के लिए निकाल सकते हैं ना बिल्डअप, फ्लटर में। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि फ्लटर के अंदर उन्होंने सेम है विंडोज के डेस्कटॉप, नहीं मेरा लेकिन सवाल है मेरा, एक सवाल मेरा ये है कि जो टच स्क्रीन होती है उसकी यूआई बनती है अलग तरह की, और ये माउस वाली स्क्रीन के लिए यूआई बनती है अलग तरह की, तो इसको कैसे टैकल करेंगे। अच्छा, इसमें टैबलेट के लिए जो हम बनाते हैं ना रिएक्ट नेटिव में, टैबलेट के लिए हम इसमें ये करते हैं, दो अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं, लॉजिक लगा देते हैं, अगर टैबलेट पे खुली है तो ये स्क्रीन खोलो, अगर मोबाइल पे खुली है तो ये स्क्रीन खोलो, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें एक तीसरी स्क्रीन बनानी पड़ेगा, तो हर पेज के लिए तीन अलग अलग स्क्रीन है, मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है, लेकिन फिर सिर्फ स्क्रीन अलग करने से मसला हल नहीं होगा उसमें, क्योंकि विंडोज के अंदर फिर ऊपर ये मेन्यू होता है पूरा, विंडोज के कंट्रोल्स अलग है, विंडोज में शॉर्टकट्स होते हैं, तो अब बेहतर वो बेहतर समझे जिन्होंने टाइम लगा के बनाया। तो मैं कल वर्कशॉप में देखो आने का मकसद यही है मेरा भी, क्योंकि इंटरनेट से देख के हेलो वर्ल्ड वगैरह बनाना ये एक अलग चीज है, ठीक है आपको इंटरनेट से गोरे अच्छी तरह समझा देते हैं, गोरे का ट्यूटोरियल निस्बतन अच्छा होता है, तो लेकिन अगर कोई बंदा है ना जो पहले से डेवलपर है, काम कर रहा है और वो आके सेशन दे रहा है फ्री, तो क्या बुराई है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा ना इस तरह की जो मीटअप्स होते हैं डेवलपर के, सेशन होते हैं इस तरह के, और पैसे दे के भी अगर आपको उसमें कोई बैठने दे रहे हैं ना तो आप जाए जरूर उसमें, ठीक है, और इस नियत से जाए कि आप कुछ लोगों से एक तो मुलाकात हो, नए नए लोगों से आप मिलेंगे, पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है, दोस्तियां ही सब कुछ है, कनेक्शन जो है ना बहुत बड़ी पावर है, आपके कनेक्शन होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए यार ये बंदा क्या करता है, क्या कहते हैं, और फिर आप फ्री में सीखते भी जाते हैं साथ साथ, जब कोई बंदा सामने से खड़ा होकर बता रहा हो और आपके पास लैपटॉप मौजूद हो और उसको उसी तरह हाथ के हाथ इम्प्लीमेंट कर लें, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप किसी अकेले कमरे में बैठ के यूट्यूब देखें फिर आप बोर हो जाए सो जाए थक के, तो ये वजह है सिर्फ। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं हमारे वाले प्रोजेक्ट के अंदर, और उस प्रोजेक्ट में जाके मैं क्या करता हूँ, जावा स्क्रिप्ट के बाद हमने कहा रिएक्ट, बल्कि इसमें सिर्फ नेटिव लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा मसला हो रहा है नेटिव से।
यार इसमें तो मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी लग रहा है, इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी पोर्ट VBS पोर्ट कैसे खोलूं इसके साथ, मैं विंडो खोलता हूं और नया विंडो खोल के इसको खींच के लाया, ये सही हो गया। अच्छा इसमें नंबरिंग मुझे करनी पड़ेगी, इसकी इस तरह से करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने ES6 पढ़ा है, JS पढ़ा है, HTML हमने कब पढ़ा है? HTML नहीं पढ़ा, HTML का कोड इसमें है ही। अच्छा अच्छा तो इसमें सबसे पहले जो वो JavaScript है ना, तो मैंने कह दिया 01.javascript सही है, उसके बाद ES6 02 ये बल्कि डॉट में क्यों डालता हूँ, उसमें डॉट नहीं डालता हूँ, उसके बाद फायरबेस ऑथ कुछ भी नहीं होगा। कुछ कोड तो है इसमें यार, चलो मैं लगा देता हूँ इसको 03 में। सही है, उसके बाद हमने पढ़ा था नॉट जेएस 04 नॉट जेएस, उसके बाद हमने पढ़ा है 05 रिएक्ट, और अब आगे हमारा 06 नेटिव। ठीक है, अब ये सीक्वेंस में, वरना नेटिव ऊपर चला गया था रिएक्ट नीचे आ गया। अच्छा अब हम करते हैं सीडी, सीडी सीडी 06 क्या बात कर रहे हो, इसने भी धोखा दे दिया। यहां से तो चल रहा है मेरे पास,
मैंने दोबारा से शेयर किया है स्क्रीन को, अब देखते हैं क्या रिपोर्ट है इसकी। अच्छा, तो मैंने npm start यहाँ पे yarn start चलाया, तो yarn start चलने के बाद इसने छोटी सी एक वार्निंग दी है, एक छोटा सा एरर दिया है कि start not found और बोले गया चला भी दिया। अच्छा, ये इसने QR कोड दिया है, इसके जरिए आप अपनी ऐप को मोबाइल फोन में भी चला के देख सकते हैं हाथ के, इसको भी लेकिन हम टेस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, वेटिंग फॉर मेट्रो बंडलर, आपके पास एक चीज होती है जो बैकग्राउंड में खुद से इंस्टॉल हुई है, उसको हम कहते हैं मेट्रो बंडलर, ठीक है, जो क्या करती है आपकी ऐप को ना रियल टाइम में बंडल करके आपको वेब में दिखा रही होती है। अच्छा, अब ये नीचे देखें कुछ ऑप्शन मजीद बता रहा है मुझे कह रहा है कि प्रेस ए फॉर ओपन एंड्रॉइड सिमुलेटर, प्रेस आई फॉर ओपन iOS सिमुलेटर और प्रेस W फॉर ओपन वेब, ठीक है, कह रहे W से वेब। अच्छा, वेब बाय द वे खुद से ओपन भी हो गया, तो मैं वहां पे जाके W वगैरह भी प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी वो सारे ऑप्शन है मेरे पास। ये वेब में मेरी React Native की ऐप चल रही है, हाँ अभी एक्चुअल ऐप नहीं चल रही है बाय द वे, अभी ये एक्सपो का CLI मेरे वेब में रन हो चुका है। अच्छा, मैं यहाँ पे आया, मैंने सबसे कहा रन इन वेब ब्राउजर, क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, इको कम कर दूं ऐसा बोल रहा हूँ, सही है, बेहतर है, दिमाग में घुसती है ये मेरे ख्याल हमारे मौलवियों ने फिगर आउट कर लिया, जब वो कहते हैं इको बढ़ाओ। अच्छा, बहुत सारे मौलवी नाराज हो जाते हैं अगर इको कम कर दिया आपने। हाँ, वो एक वफात पा गया ना, जो एक साहब थे इनका बड़ा मीम बनाते थे लोग, वो बड़े कैसे नाराज होते थे यार, ये क्या जब मेरे बारी आई तो साउंड को तुम आगे पीछे कर रहे हो। और भी एक दो मैंने देखे वो भाई नाराज हो जाते हैं, वो यार उनका नाराज होना भी जायज है, यहाँ पे प्रोजेक्टर बंद होता है मेरी हट जाती है, यार क्या सीन है यार, मैं आता हूँ प्रोजेक्टर नहीं चल रहा होगा। तो आज आप लोगों की वजह से मेरे इल्म में इजाफा हुआ है, इको से साउंड रिपीट होता है, दिमाग में बात है। अच्छा भाई, तो ये वेब में मेरे चल गया, ये आप नोट कीजिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ओपन अप एंड app.js टू स्टार्ट वर्किंग योर ऐप, यानी मेरे app.js में कुछ कोड लिखा हुआ होगा। अब मैं कोड लिखता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे रियल टाइम में चेंजेस आ रही है या नहीं आ रही, सही है, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड, इको ज्यादा हो गया, अबे क्या पता मेरे अंदर से इको निकल रहा है, ये मैं समझ नहीं रहा ये इको क्यों हो रहा है, ये इको जो है ना यहाँ से आ रहा है, हेलो 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 खत्म हो गया इको, ये इसमें से आ रहा है, फील खत्म हो गई ना हो गई। अच्छा, तो मैंने app.js में आके ना हेलो वर्ल्ड कर दिया इसको और मैंने सेव का बटन दबाया, जैसे ही मैंने सेव का बटन दबाया देखो रियल टाइम में यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक है, ये मेरा वेब खुला हुआ है। अच्छा, ये CLI अपनी जगह रन हो रही है, ये मैट अगर मैंने इसको बंद कर दिया ना वो भी बंद हो जाएगा, मेट्रो बंडलर है, मोबाइल में भी आता हूँ मैं आस्ते आस्ते, अभी पहले हम सिमुलेटर में सीखते हैं मोबाइल सीखते हैं। अच्छा, नंबर एक काम तो ये कर लिया हमने, यहाँ पे इसको ऐसे ओपन कर लिया और उसको हम यहाँ पे ये मोबाइल डिवाइस करके ना इसको यहाँ पे देख सकता हूँ, तो नंबर एक काम तो ये हो गया, ये वेब में भी हमने देखा था मोबाइल इस तरह हम खोल सकते हैं। अच्छा,
अब हम देखते हैं कि मोबाइल में अगर हमें टेस्टिंग करनी हो ऐप को, क्योंकि जाहिर है इस वेब में प्लगइन तो टेस्ट नहीं हो सकते, प्लगइन कैसे टेस्ट होंगे इसके अंदर, तो उसके लिए मुझे मोबाइल फोन में टेस्ट करना है। मोबाइल फोन में टेस्ट करने के दो तरीके हैं। नंबर एक तरीका यह है कि आप अपनी मशीन के अंदर सिमुलेटर इंस्टॉल कर लें या इम्यूलेटर इंस्टॉल कर लें, सही है, एक तरीका ये है। अच्छा, सिमुलेटर आपको दो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, एक एंड्रॉइड का एक आईओएस का, ठीक है। एंड्रॉइड का सिमुलेटर आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ भी आता है वो, और एवीडी मैनेजर अलग से भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूंगा एंड्रॉइड स्टूडियो पूरा ही इंस्टॉल कर लें, ठीक है, ताकि आपको पता भी चल जाए कि कैसे कैसे स्टेप होता है। और जितनी भी जगह पे बताया जाता है वो एंड्रॉइड स्टूडियो पूरा इंस्टॉल करवाते हैं, 800 MB का है उसका पैकेज है, वो डाउनलोड करेंगे आप। अच्छा, मैं एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से कि पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉलेशन कैसे होती है, ठीक है। और मेरी कोशिश तो ये थी कि आज आप लोग यहाँ पे अपने हाथ से इंस्टॉल करते, लेकिन टाइम थोड़ा हमारे पास बचा नहीं है, लेकिन घर जाके आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो परमिशन वगैरह का भी इशू है थोड़ा सा, तो वो वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूंगा क्लास के लास्ट में कि उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अच्छा, तो मैं सिंपल आपको लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ। आप गए एंड्रॉइड स्टूडियो लिखा आपने, ठीक है, और ये डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो SDK ये आपने सिंपल डाउनलोड कर लिया, ठीक है। डाउनलोड ऑप्शंस में आप जब जाएंगे तो इसके अंदर मुख्तलिफ डाउनलोड ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, विंडोज के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, क्रोम ओएस के लिए, चार के लिए मौजूद है, अगर आप कोई अलग से इस तरह करना चाह रहे हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ से जब आप करेंगे जो टॉप वाला है तो आपके ओएस के लिए जो परफेक्ट है वही डाउनलोड होगा, ठीक है। ये आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल जब कर लेंगे तो उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो इस तरह से आपके पास खुलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से ये मेरे पास एंड्रॉइड का स्टूडियो ओपन हो गया है यहाँ पर। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर में जाएंगे ना आप यहाँ पे, तो यहाँ पे AVD मैनेजर, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, इसमें आपने क्लिक किया एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर में, ठीक है। अच्छा, इस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ना आपके पास पिक्सल 4 के नाम से एक डिवाइस पहले से बनी हुई आ रही है। अच्छा, यहाँ से आप न्यू भी कर सकते हैं क्रिएट, आपने कहा क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस, आपने कहा फोन, और जो सबसे लेटेस्ट वाला होगा, अच्छा जिसमें ये बना हुआ है ना प्ले स्टोर के साथ वाला, वो ज्यादा सही होती है डिवाइस। उसमें क्या होता है कि आप कोई दूसरी ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कल को आपको कोई सबवे सफर खेलने का दिल करे तो वो भी आप उसके अंदर करके खेल सकते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा Pixel 4, और Pixel 4 करके मैंने कहा नेक्स्ट, और मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कोई भी एक अदर, कोई भी एक अदर इसका एंड्रॉइड वर्जन, ठीक है। अभी एंड्रॉइड वर्जन मेरा डाउनलोड हो रहा है और इंस्टॉल हो रहा है। सबसे लेटेस्ट मेरा कौन सा है, आ रही है, ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद मजीद नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगा, उसको मैं भी रोक दे रहा हूँ। बाय द वे मेरे पास कोई एक डाउनलोडेड होगा ना, एस मेरे पास डाउनलोडेड है पहले से, ठीक है, तो एस पे मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ये मुझसे डायमेंशन पूछ रहा है, इसको डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ मैं फिलहाल, कि भाई स्क्रीन का साइज क्या हो, प्रोसेसर वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा भाई डिफॉल्ट भी रखो इसको, क्रिएटिंग अ वर्चुअल डिवाइस ये नीचे बना हुआ आ गया। अच्छा, इसको मैं किसी एक को भी रन कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों सेम चीज बनी है। मैंने प्ले का बटन दबाया और ये मेरे पास रन हो जाएगा, सही है, ये मेरे पास भाई एंड्रॉइड की डिवाइस रन हो गई। प्रोसेसर को कैसे छत से लगाया इसने, देख रहे हो ऊपर ये वाला लाल पट्टी, ठीक है भाई, ये खुल के जो है वो ठंडा हो गया। अच्छा, इसमें मैंने ये मेन्यू है इसके, गूगल क्रोम जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो पहले से इसमें इंस्टॉल है। अच्छा, अब ये मेरे पास जो चल चुकी है ना डिवाइस, अब बाकी चीजें मैं कर देता हूँ बंद, एंड्रॉइड स्टूडियो पूरा बंद कर सकता हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो की अब मुझे जरूरत नहीं, ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो बंद हो गया, मेरे पास ये इमुलेटर चल रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या कर, अच्छा इमुलेटर बाय द वे मैंने हाथ से खोला ना जाके, अगर हाथ से मैं ना भी खोलूँ ना तो उसको वो खुद खोल देता है, उसको पता होता है कि इमुलेटर कहाँ इंस्टॉल होता है, तो वहाँ जाएगा किसी भी एक को रैंडमली वो खोल देगा, जैसे मेरे पास दो तीन इमुलेटर है, किसी भी एक को रैंडमली खोल देगा, लेकिन खुद से खोलने का बेनिफिट ये है कि आप अपने हाथ से ओपन करते हैं तो आपको पता होता है,
कौन सा ओपन हो रहा है। अब मैं गया मेरे वेब में, मैंने कहा कि रन ऑन एंड्रॉइड डिवाइस और इम्यूलेटर, क्लिक कर दिया इस पर मैंने। अटेम्प्टिंग टू ओपन सिम्युलेटर, एरर फेल, मेट्रो लॉग चेक, व्हाट द हेल। चलो एंड्रॉइड पे तो उसने कर दिया मना, आईओएस पे क्लिक करता हूँ। iOS पे क्लिक किया वो शायद खोल दे, Android को फिर देख लेंगे बाद में। Attempting to open a simulator, अच्छा iOS का simulator सिर्फ Apple की मशीन्स पे, Mac पे सिर्फ हो सकता है, क्योंकि जो Xcode के नाम से सॉफ्टवेयर है, जैसे VS Code है ना हमारा, उनका Xcode के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जिस पे iOS की एप्स बनती हैं, उस पे iOS के सिम्युलेटर बिल्ट इन होता है। विंडोज के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप iOS के डिवाइस को वहां पे सिमुलेट कर सकें या कोई सिमुलेटर इंस्टॉल कर सकें, ये ऑप्शन विंडोज में मौजूद नहीं है, लिनक्स में भी मौजूद नहीं है, ये सिर्फ मैक पे उन्होंने क्लोज रखा है अपनी चीजें बेचने के लिए। हाँ वो उस पर नहीं हो सकता, ये डेवलपर के लिए मैक बेस्ट क्यों कहते हैं, इसी वजह से तो कहते हैं, इसमें लिमिट नहीं है, बाकी विंडोज में कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है। अबे खुल जा भाई आज की डेट में यार, मैं अलग से बोल लेता हूँ यार, मैंने कहा एक्स कोड, ठीक है एक्स कोड ओपन किया मैंने, और एक्स कोड के अंदर कहीं ना कहीं वो ऑप्शन आ रहा होगा सिम्युलेटर का, पावर बटन भी काम कर रहा है इसके अंदर, देख रहे हो काफी इन्होंने भी अच्छा कर दिया सिम्युलेटर, वरना इनका सिम्युलेटर ऐसा घटिया होगा। टाइम इंस्टॉल एडिशनल रिक्वायर कंपोनेंट, ये भी कोई अपडेट, छोटी सी चुन्नी सी अपडेट मांग रहा है, अल्लाह करे चुन्नी सी अपडेट हो। छोटी सी इंस्टॉलिंग क्या रिपोर्ट है, ओपन नहीं हुआ मेरा, नहीं एक्सपो तो एक्सपो के बगैर बंडल ही नहीं होगी आपके ऐप, एक्सपो की सी अलग अपनी जगह, ये अपनी जगह। अच्छा भाई तो ये मैंने Xcode खोल लिया, नोट कीजिए आप, बिल्कुल Android Studio की तरह ये भी खुला है, जैसे Android Studio खुलता है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड XYZ, मैंने कहा भाई ये मेरे पास पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है ABC के नाम से, मैंने वही ओपन कर लिया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट नहीं किया, सही है ये मेरे पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है वो ओपन हो रहा है। अच्छा यहाँ पे कहीं मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा सिम्युलेटर का, फाइंड व्यू एडिटर। अच्छा ये प्ले का बटन जो है ना इसके नीचे बना हुआ है, सिमुलेटर गुम हो गया, सिमुलेटर लोकेशन, व्यू 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 नेविगेट हिडन, फाइंड 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 रिप्लेस ऑल, नेविगेट रिवील इन प्रोजेक्ट, मूव मूव एडिटर, लेआउट शो कंपाइलेशन, रिफैक्टर रिफैक्टर स्ट्रक्चर कोड फोल्डर थीम। भाई देखो सिमुलेटर किसी को दिख रहा तो मुझे बता, टेस्ट रन बिल्ड फॉर एक्शन,
डीबग अटैच टू पीआईडी अटैच डीबग सिमुलेटर लोकेशन मैं ऐसे ही प्ले कर देता हूँ यार एबीसी का कोड चलेगा ना सिमुलेटर खुद ही ओपन हो जाएगा सिमुलेटर इसके अंदर बाय द वे कहीं ऑप्शन होता है पूरा डैशबोर्ड खुल जाता है सिमुलेटर का हाँ यार हाउ टू ओपन सिमुलेटर How to open simulator भाई कह रहे हैं Xcode में जाओ Windows में जाओ Device and Simulator में जाओ अच्छा हाँ भैया Xcode में क्या है किसमें तो अच्छा ये वाला विंडो अच्छा अच्छा ये वाला विंडो और Device and Simulator ये सामने पड़ा हुआ था पता नहीं कहाँ पर अच्छा ये भाई मेरे पास सिमुलेटर आ गया जितने भी इस वक्त डिवाइसेस मौजूद हैं इनकी उन सबके सिमुलेटर यहाँ पे उन्होंने बनाए हुए हैं पहले से तो मैं कोई एक ओपन कर लेता हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स है 13 प्रो मैक्स अभी रन कैसे होगा हाँ ये रहा ना डिवाइस टाइप तो मैंने कहा कि यार पहले इस तरह से नहीं खोला था पहले जो मैंने खोला था इसको ट्वेल्व प्रो मैक्स पे मैंने राइट क्लिक किया और डिवाइस एंड सिमुलेटर उनको हेल्प कर दिया डबल क्लिक किया कुछ भी नहीं हो रहा पेयर्ड वॉचेस ये इसके साथ पेयर वॉच है जो हुई भी है ना उसकी बात होगी अरे ये रहा ना डिवाइस ऐड करूंगा मैं यहाँ से अच्छा ये तो फिजिकल डिवाइस की बात होगी एक मिनट मैं दोबारा से विंडोज में जाता हूँ डिवाइस एंड सिमुलेटर उसमें भी आता हूँ मैं भी उसपे भी आता हूँ उसपे भी आता हूँ जो QR कोड वाले ना उससे भी डायरेक्ट रन हो जाता है ऐसा ही है मैं काम करता हूँ एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना जो ये एक्सपोर्ट कर ये फेल हो गया ना तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ ताकि मैं प्रॉपर उसको क्या कर सकूँ क्लोज प्रोजेक्ट इसको प्रोजेक्ट तो मैंने किया क्लोज और मैं एक्सपोर्ट में आके क्रिएट अ न्यू एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट करता हूँ ठीक है मैंने कहा ऐप चाहिए मुझे एक अदर iOS की ऐप चाहिए ठीक है जी और मैंने कहा नेक्स्ट मैंने कहा ऐप का नाम क्या है डेमो ऐप नाम है इसका ठीक है भाई स्विफ्ट UI लैंग्वेजेस की स्विफ्ट है मैंने कहा नेक्स्ट ये मैं एक नई ऐप बना रहा हूँ Xcode में और ये पूछ रहा है सेव कहाँ करना है मैंने कहा भाई डेस्कटॉप में सेव करना है डिलीट डिस्क के अंदर सेव कर देंगे डेमो iOS ऐप के नाम से मैंने कहा भाई क्रिएट ठीक है iOS की एक नई ऐप बना दी है मैंने ताकि मैं उसको इजीली मैं रन कर सकूं पहले वाली भी बाय द वे डिफॉल्ट ही थी लेकिन उसको पता नहीं क्यों रन करते हुए ना वो बिल्ड ऊपर फेल हो जा रहा था अच्छा इंडेक्सिंग हो रहा है भी है और मैंने रन का बटन दबा दिया अब जाहिर है रन होगा ना जब तो किसी ना किसी सिमुलेटर के साथ ही रन होगा और ये देखें मुझे यहाँ पे इसने ऑप्शन दे दिया अभी किसके साथ रन करते हैं मैंने कहा भाई रन करो मुझे 12 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स तुम्हारी फरमाइश की और ठीक है मैंने कहा प्ले रिप्लेस रिप्लेस एक पहले से बिल्ड उसने चलाई हुई थी उसको रिप्लेस मार के मैंने नहीं अटैचिंग टू दिस लॉन्चिंग द डेमो
डिवाइस, ये खुल गई डिवाइस हमारी। अच्छा पहली दफा जब ये सिमुलेटर ऑन होगा कोई सा भी, चाहे वो एंड्रॉइड का मैंने नया जो बनाया था ना वो नहीं चलाया, मैंने पुराना वाला चला दिया था। पहली दफा में थोड़ा टाइम लेता है वो, उसके बाद सेकंड टाइम से वो जल्दी स्टार्ट होता है। पहली दफा में वो फुल प्रोसेसर देखो ऊपर लगा रहा है फुल। स्टैंड अप समझा नहीं दोबारा, वो प्रोसेसर है ना इसका, प्रोसेसर ऐसे देखने के लिए मैंने किया है कि क्या चलाता हूँ तो वो ज्यादा टास्क प्रोसेसर खाता है, क्या चलाता हूँ वो कम खाता है, ये देखने के लिए मेन्यू मीटर के नाम से गया था उससे होता है। विंडोज में तो बल्कि बहुत सारे ये गैजेट वगैरह लोग बहुत लगाते हैं, नहीं नहीं बिल्टन कहाँ से होता है, बिल्टन इतना बुरा सा ये बिल्टन थोड़ी बना के देंगे। ये जो इंटरनेट की स्पीड आ रही होगी ना इस जगह पे, ये रेड और ब्लू, ये भी बिल्टन नहीं है, ये मैंने अलग से कोई एक्सटेंशन डाला हुआ है। अच्छा भाई ये हेलो वर्ल्ड मेरा कौन सा चला है, ये iOS का जो मैंने अभी न्यू ऐप बनाई है ना वो चला है। अच्छा इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, अच्छा इसको मैंने क्या किया, सही है इसको मैंने क्लोज कर दिया इस वाले हेलो वर्ल्ड को, और इसको मैंने क्या किया अनइंस्टॉल भी कर देता हूँ उसको, अनइंस्टॉल भी कर दिया डिलीट यहाँ से बाद में। अब मैं यहाँ पे आके इसको कोशिश करता हूँ दोबारा से क्या करने की, रन iOS सिमुलेटर करने की कोशिश करता हूँ। यार क्या मसला है पता नहीं क्यों रन नहीं हो रहा है। अच्छा बिल्डिंग जावास्क्रिप्ट बिल्डर 40% नहीं नहीं अगर मैं यहाँ पे आके इसको बोलूं तो यहाँ पे मुझसे ये बात पूछ रहा है ना, कुछ मुझसे कह रहा है कुछ इंस्टॉल करना है, वो कर दूं या नहीं कर दूं, तो मैंने उसको ये ओके नहीं किया हुआ था इस वजह से फंस रहा था वो। और मे बी शायद मैंने एंड्रॉइड वाला चलाया वो उस वक्त भी मुझसे इसने पूछा हो, मे बी मैंने इसको देखा ही नहीं। कह रहे Xcode need to install the install, don't worry you won't have to use it, पता नहीं क्या पूछ रहा है। Xcode तो मेरा इंस्टॉल है। अच्छा तो क्या इसने कहा था कि आई दबाऊं, मैं आई मैं दबा देता हूँ यहाँ पे। Unable to verify Xcode simulator installed, show all commands. खैर तो हमने एंड्रॉइड पे भी चलाने की कोशिश की, iOS पे भी चलाने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों पे नहीं चला। सही है, और उसका रीजन मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि सेटिंग हमारी सही तरह से नहीं हुई और कोई मसला नहीं है। इसको अब हम कर देते हैं क्लोज, सही है। अच्छा हम तीसरा तरीका अब इसका इस्तेमाल करके देखते हैं, सेंड लिंक वाया ईमेल, पब्लिश और रिपब्लिश प्रोजेक्ट। एक्सपो CLI जो है ना उनका अपना एक स्टोर भी है, वहां पे आप पब्लिश भी कर सकते हैं, वहां पे कोई रिव्यू शिव्यू कुछ भी नहीं है, आप पब्लिश मारेंगे पब्लिश हो जाएगी, किसी को भी लिंक देंगे वो उसको इंस्टॉल कर पाएगा अपने डिवाइस में। अच्छा चौथा तरीका ये है कि एक्सपो की ऐप आप इंस्टॉल कर लें, ये करके हम इंशाल्लाह खत्म करते हैं क्लास को आज की, और फिर मैं वो वीडियो भी साथ साथ आपको देता हूँ। ये मेरे पास एक्सपो की ऐप इंस्टॉल है, अच्छा ये इसको ऑफलोड कर दिया, इसमें 2 मिनट लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। अच्छा तो मैं यहाँ जब तक दिखा देता हूँ कि एक्सपो की ऐप कैसी है। ठीक है ये एक्सपो की ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास, और इसको क्या करेंगे आप लॉगिन कर लेंगे, ये लॉगिन मांगता है R1, अगर ये मांगे तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या होगा कि आप ये जो QR कोड है ना इसको आप स्कैन करेंगे, उस ऐप के अंदर ऑप्शन आ रहा होता है, तो क्या होगा कि आपके पास वो ऐप डायरेक्टली रन हो जाएगी और वो रियल टाइम में रन होगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके डिवाइस सेम वाईफाई नेटवर्क पे होनी चाहिए। ठीक है समझ गए ना ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने चलाया वहां चल रहा है, ये वो वाला काम इन्होंने यहाँ पे बिल्ट इन करके दिया हुआ, और आपको आसान इस तरह की QR कोड स्कैन करते हैं आपको खुद ही चला देते हैं।
ठीक है जी। क्या यार अच्छा है, उसको भी चल जाता है। अच्छा सही कह रहा हूँ, ये टनल वाले लैन के ऑप्शन पे है लोकल नेटवर्क, और अगर मैं टनल कर दूंगा तो फिर ये इंटरनेट के जरिए घूमता आएगा, लेकिन जाहिर है फिर उसमें रिफ्रेश होने में टाइम लग सकता है। ट्राई कीजिएगा ये वाला भी ऑप्शन, इसमें क्या फर्क है दोनों में। हाँ वो साइन अप करना, जाहिर है ना आप जब पब्लिश कर रहे हैं तो जाहिर साइन अप तो आपको चाहिए होगा, वरना आपको क्या पता चलेगा इसको कौन बंदा है जो पब्लिश करके चलेगा, क्योंकि आप इससे कोई इल्लीगल ऐप भी तो पब्लिश कर सकते हैं, कोई ऐसी ऐप जिससे किसी को ट्रैक किया जा रहा हो या कोई इल्लीगल एक्टिविटीज में हो गया, इस वजह से करते हैं। अबे भाई हो जाए इंस्टॉल, कब होगा, आज की डेट में ही होगा। यार कहने को यहाँ पर स्पीड है इतनी ज्यादा ना, लेकिन अभी 1 MB स्पीड आ रही है मेरे पास इंस्टॉलेशन में, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया है। मुझे लग रहा है प्रोवाइडर उन्होंने चेंज कर दिया, थका हुआ इंटरनेट लगवा दिया। अच्छा एक्सपो सारे लोग इंस्टॉल कर लो अपने पास में, सही है, जिसके पास नहीं है ना वो इंस्टॉल कर लो, और ताकि घर जाके फिर उसी पे कर सको। चलो इतनी देर में मैं कुछ और तो करूँ, ये इंस्टॉलेशन में लगा हुआ है अभी तक। अच्छा मैं आपको वो वाला भेज देता हूँ YouTube का ना प्लगइन, आपको मैं दिखा देता हूँ इतनी देर में। अच्छा जी मेरे पास कहाँ लगाया हुआ था मैंने, elements were the components of your app, these are the elements, ये है वो app। अच्छा इसको मैं कहाँ पे push कर रहा हूँ, हमारी app जो है इसी के अंदर जो जो native का मेरा folder था इसके अंदर एक readme बना के मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, उससे क्या होगा। हाँ आपको ये रेपो के अंदर मिलेगी, जैसे ही आप नेटिव वाले में जाएंगे उसमें आपको ये नजर आ रहा होगा। रिएक्ट नेटिव सेटअप गाइड के नाम से मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और मैंने सबको कर दिया। अच्छा ये वीडियो काफी लंबी है, 2 घंटे की वीडियो है। अच्छा 2 घंटे की वीडियो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस है, इसके अंदर कोई इसमें थ्योरी नहीं बताई, लेकिन बेहतर बात ये हुई है थ्योरी सारी हमने तकरीबन आज कवर कर ली है, थ्योरी वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो मेरे ख्याल रह गई। अच्छा ये पूरा प्रैक्टिकल बेस है, जाहिर है सेटअप के लिए ना इसने कुछ एडिशनल टूल्स भी इधर उधर से करवाए हैं, वो सारे जाहिर है मुझे याद नहीं है, और रिएक्ट नेटिव पे काम किए हुए मुझे थोड़ा टाइम हो गया तो इतना मुझे ठीक तरह से याद नहीं है कि क्या क्या होता है। सेटअप वाला काम ना कोशिश कीजिएगा आप कि नेक्स्ट क्लास में जब आप आए तो सब लोगों के घर पे ना ये वीडियो, क्योंकि बहुत अच्छी है, सब लोगों ने नीचे तारीफ की भी है और व्यूज भी अच्छे खासे हैं इसके, और 2 घंटे की वीडियो इसने फ्री डाली है, इसने कहा 14 घंटे का मेरा कोर्स है पेड है, तो ये मुर्गे घेरने के लिए बनाई है तो बहुत अच्छी क्वालिटी बनाई है, तो इस वजह से ये वीडियो सेटअप है इसमें। और इसके अंदर क्या है, अगर आप इसकी लिस्ट ओपन करें ना, ये जो लिस्ट इसने बनाई गई है यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, पब्लिशिंग है, वीएस कोड से डिबग डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, ठीक है, व्यू क्या चीज, अब कंपोनेंट्स की बात हो रही है, व्यू कंपोनेंट, टेक्स्ट कंपोनेंट, इमेज कंपोनेंट, ठीक है, टचेबल कंपोनेंट, बटन कंपोनेंट, अलर्ट,
ठीक है, स्टाइल शीट्स, ये बेसिक बेसिक जितने कंपोनेंट है सारे इसने कवर कर लिए, ठीक है। तो ये एक तरह से आपके लिए बुक है, रिएक्ट नेटिव की ना पूरी बुक का काम कर रहा है। मेरे पास एक दूसरी बुक भी है, रिएक्ट नेटिव इन एक्शन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बुक अगर हमने खोल ली तो 2 महीने से पहले रिएक्ट नेटिव पर खत्म नहीं हो सकता। वो शेयर कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो, मैं शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है। तो उसको बुक से पढ़ाने का इरादा था मेरा, लेकिन जाहिर है टाइम इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा कि मैं वो बुक खोल सकूं। लेकिन ये बुक से कम नहीं है, ये वीडियो 2 घंटे की वीडियो है, प्रैक्टिकल बेस है बहुत अच्छा। लेआउट्स, स्क्रॉलेबल लेआउट, ऐसे स्क्रॉलेबल सब बताया है इसमें। 1 घंटा सिर्फ स्क्रॉलेबल पे, सॉरी 1 घंटा नहीं है, 10-15 मिनट, 1 घंटे 18 मिनट पे स्टार्ट है और 1 घंटे 43 तक है। लेकिन ये लेआउट डायमेंशंस भी लेआउट में, डिटेक्टिंग ओरिएंटेशन भी लेआउट में, फ्लेक्स बॉक्स ये सब लेआउट है, फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे वाला फ्लेक्स। हमने फ्लेक्स बॉक्स जो पूरा पढ़ा था, वो फ्लेक्स बॉक्स एक डिजाइन लैंग्वेज है। इस वीडियो के अंदर ये बातें डिस्कस हुई थी। तो हमने जो फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था वो असल में फ्लेक्स बॉक्स ये CSS की चीज नहीं है, CSS ने तो उसको एडॉप्ट किया है कि भाई CSS3 में आप इसको लिख सकते हैं कोड, असल में वो एक डिजाइन लैंग्वेज है। तो ये जितने भी iOS और Android की UI है ना, उसमें वो डिजाइन लैंग्वेज एज इट इज इम्प्लीमेंटेड है। तो इस वजह से फ्लेक्स बॉक्स इंपॉर्टेंट हो गया है। तो फ्लेक्स बॉक्स पूरा ये पढ़ा रहा है इसके अंदर कि React Native में फ्लेक्स बॉक्स किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, जस्टिफाई, अलाइन, इस तरफ अलाइन करना, उस तरफ अलाइन करना, फ्लेक्स की फिर रैप है, फ्लेक्स बेसिक है, फ्लेक्स श्रिंक है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पोजीशनिंग। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पोजीशनिंग होता है कि एक डिब्बा आप बनाया आपने, आप चाह रहे हैं कि ये डिब्बा एक खास जगह पे बोल, क्योंकि स्क्रीन के साइज तो अलग अलग होते हैं, आप उसको रिलेटिव पोजीशन देते हैं कि भाई लेफ्ट वाली दीवार से ना इतने पिक्सल छोड़ के आप खड़े हो, एक ये होगा, ठीक है। दूसरा एब्सोल्यूट पोजीशनिंग देते हैं कि भाई इतने भाई इतने पिक्सल पे खड़े हो जाओ। तो अब स्क्रीन साइज रिलेटिव और एब्सोल्यूट इस तरह से होता है, दोनों तरह की पोजीशनिंग ये बता रहा है कि अगर आपको रिलेटिव पोजीशन देनी तो वो कैसे देंगे, यानी कि रिस्पॉन्सिव UI, रिलेटिव का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव UI बनेगी आपकी, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि फिक्स होगा, पोजीशन फिक्स होगी आपकी, हिलेगी नहीं आपकी UI, चाहे छोटी हो स्क्रीन बड़ी हो। कुछ एक्सरसाइजेस दे रहा है ये, वेलकम स्क्रीन, अच्छा इसने जो है ना एक पूरी ऐप तैयार की है इसके अंदर, और शुरू में ये बता भी रहा है कि वो कौन सी ऐप है। जरा उसकी हम शक्ल देख लेते हैं कि ये किस तरह की ऐप बना रहा है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए इस वीडियो को देखने में। अच्छा, ये वो ऐप है जो ये बनवा रहा है, इसको जरा देख लेते हैं छोटी सी। Anything you're done with. Here's the front screen of our app. We can log in or register. Let's log in with my account. English, yeah? Here you can see all the items that people are selling. For example, we have this guy over here. He's selling his red jacket for $100. Of course, this is all dummy data that I have generated. Now we can tap an item to see more details about it. We can see who the seller is. We can see where the item is located on the map. We can also send a message to the seller. And this will send a push notification to the target mobile device. Now we can pull this down to close it. We can also pull down the list to refresh it, just like the apps you use on a daily basis. We can filter the list and look at the cameras that are for sale. We can add a new listing. First, we select an image. We can add a second image, up to 3 images. Now let's give it a title, my first item. We give it a price, $99. Now let's assign it to a category. So let's put it in the category of furniture. Now when it posts this to the server, you're going to see a progress bar and a beautiful animation at the end. Take a look. There you go, and done. Here are the listings I have posted. We also have my account page where we can access my listings and the messages I have received. Now we can swipe an item to the left to delete it, just like the apps you use on a daily basis. So if you follow along, by the end of this course, you're gonna master React Native and you'll be able to build mobile apps with confidence. So, are you excited to build this app with me, Ben? सही भाई, ये वो बंदा है, इसका नाम है मोश। सही है, अच्छा बंदा है ये, अच्छी तरह से पढ़ा रहा है, काफी मेहनत से इसने वीडियो बनाई है। मैंने ये वीडियो तकरीबन आधी देखी है, उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं कोई ऐसी वीडियो तलाश कर रहा था कि ये सेटअप वेटअप की चीज है ना, जितनी बार भी मैं बता दूं आपको आप भूल जाते हैं बाद में ना,
तो ये एक अगर सेट कोई रेफरेंस हो ना ऐसा जिसको देख के आप हर दफा उससे हिंट ले सके, क्योंकि रिएक्ट नेटिव की जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी सारी बातें बताई नहीं है सेटअप करना कि सिमुलेटर कैसे इंस्टॉल होगा क्या होगा, लेकिन वो लिखी हुई डिटेल है तो इतना अच्छा नहीं है। वो जैसे मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन है वो मुझे बड़ी पसंद है, उन्होंने काफी अच्छा करके डॉक्यूमेंट बनाया है। इसी तरह जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है आपकी है एनपीएम की, बहुत सारी लाइब्रेरीज की हम डॉक्यूमेंटेशन देख चुके हैं अभी तक। कोर्स की डॉक्यूमेंटेशन, कोर्स की अच्छी डॉक्यूमेंटेशन आसानी से पता चलता है, ज्यादा फंसाते नहीं है। अच्छा, इसी तरह सॉकेट आईओ की डॉक्यूमेंटेशन है वो भी अच्छी है, एक्सियोस की डॉक्यूमेंटेशन काफी अच्छी है, फौरन समझ आता है, फौरन दिखता है, पता चलता है। एक्सप्रेस की भी डॉक्यूमेंटेशन काफी अच्छी है, ठीक है। नॉर्ड जेएस की भी कचरा है, रिएक्ट की भी कचरा है, रिएक्ट नेटिव की भी कचरा है, समझ में नहीं आता, बंदा गुम हो जाता है अंदर जाके। तो इस वजह से ये मैंने लिंक लगा दिया है रिपोजिटरी के अंदर। अब इतने में देखता हूँ मेरे पास एक्सपो इंस्टॉल हो गया, अगर तो हम जल्दी से उसको चलाते हैं उसके ऊपर, फिर हम निकलते हैं। नहीं नहीं वो सेम, दोनों में सेम चलेगा, वो तुम सही कह रहे हो, वो आईओएस की डिजाइन लैंग्वेज है, लेकिन वो सेम चलेगा दोनों में। अच्छा, ये मेरे पास एक्सपो की ऐप खुल रही है, अच्छा समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाता है सेम वाईफाई में फिर भी। Uncouch error, java.net exception, fail to connect this IP. वो उस IP पे connect नहीं हो पा रहा ये। One... नहीं। अच्छा तुमने ये scan किया? अच्छा अच्छा ये लो tunnel कर देता हूँ। अब ये over the internet घूम के जा रहा होगा हमारे पास। यार इंटरनेट में कोई इशू हुआ है। अबे भाई 10-12 एमबी की स्पीड से डाउनलोड हो रहा है कुछ, तो क्या डाउनलोड हो रहा है भला? अच्छा इंस्टॉलिंग एनजी रॉक, ओ एनजी रॉक यूज करता है इसके लिए। एनजी रॉक ये अलग से, ये रहा ना इंस्टॉलिंग एनजी रॉक, सही है, ये अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। ये टनलिंग सॉफ्टवेयर है कि आपके अगर लोकल होस्ट 5000 पे कुछ चल रहा है ना उसका टनल बना सकते हैं एनजी रॉक, लेकिन अभी एनजी रॉक वाले काफी चौड़े हो गए, पेड कर दिया, मतलब 30 सेकंड के अंदर अंदर ना 2-3 रिक्वेस्ट मार दी आपने तो वो मना कर देता है, फिर आपको एक रिक्वेस्ट चलती है सही रहता है। पूरा रीडिजाइन भी कर दिया, पहले तो ऐसा घटिया सा होता था ये बिल्कुल। जाहिर है रिएक्ट नेटिव वाले जब ऑफिशियल इसको लगाएंगे अपने पास तो चौड़े ही होंगे। खरीदा नहीं है, यूज कर रहे हैं ना उसको। ये एनपीएम की एक लाइब्रेरी है एनजी रॉक। ये इनका ओरिजिनल जो था ना पेज वो इस तरह का था, ये चेंज नहीं किया उन्होंने, ये वही रखा है। सही है, इसकी कमांड है बहुत सिंपल, ये इंस्टॉल किया आपने, उसके बाद आपने कहा ngrok http 8080 या 4000 या 5000 जो भी है, तो आपको एक URL दे देता है उसके अगेंस्ट। बस ये ngrok इंस्टॉल कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये बंद कर दिया इसमें तो मुझे यार, ये अभी तक बिला वजह घूमे ही जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। अब वो है कनेक्टेड, ये करो जरा। नहीं सेटअप तो यार
सेटअप में बहुत टाइम खा रहा है। हमने रिएक्ट का भी जो सेटअप है हमने दो क्लासें पढ़ी थी सिर्फ समझने में कि इसके फोल्डर में क्या क्या होता है कहाँ होता है। एक बार जब वो चीजें आप कर लेंगे तो फिर जाहिर है फिर तेजी से चलते हैं। अबे किसी का कनेक्ट हुआ ये वाला? किसी का कनेक्ट हो तो गया है, शो हो रहा है। अच्छा अब देखो मैं यहाँ से कोड जब चेंज करूंगा ना तो तुम लोगों के पास चेंज होना चाहिए। मैंने कहा हेलो वर्ल्ड माई ऐप और सेव किया मैंने, तो क्या होना चाहिए तुम लोगों के पास भी चेंज हो जाना चाहिए। बिल्डिंग 40% चेंज हो गया ना। अच्छा अब मैं कुछ और भी लिखूंगा ना, 1 2 3 लिखा मैंने सेव किया तो ये भी चेंज होना चाहिए। बस ये इस तरह ये डेवलपमेंट वर्कफ्लो है इसका। जब बिल्ड मारोगे, अच्छा अभी जो मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हुई है ना तुम्हारे एससी के जरिए, उसमें प्लग इन वगैरह सब चलता है, मतलब इसमें जब चला रहे होंगे आप तो प्लग इन भी चलेगा। हाँ ये अच्छा एक तरीका और भी है, केबल से भी चला सकते हैं। आप यहाँ केबल लगाएंगे, केबल फोन में यहाँ अटैच करेंगे आप, तो इस स्क्रीन पे ना आपके इस स्क्रीन पे एक नया ऑप्शन शो हो जाएगा, डिवाइस कनेक्टेड डिवाइस आ जाएगी आपके पास। ये ना इस तरह से देखो डिवाइस कनेक्टेड शो हो रही है ना, जो इस तरह एक डिवाइस आ जाएगी आपके पास, उस पर आप रन मारेंगे वो रन हो जाएगी। LDN21 पता नहीं कौन सी, शायद मैंने ही अपना फोन कनेक्ट किया होगा कभी, वो उसको याद होगा। अच्छा और भी आ गया ना, ये मेरे ख्याल है जो कनेक्टेड लोग हैं वो उनकी डिवाइसेस आ रहे हैं, तो जब मैं केबल से डिवाइस अपनी लगाऊंगा ना तो मेरी डिवाइस ये शो हो जाएगी, मैं क्लिक मारूंगा उस पर रन हो जाएगा। सही है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा ये तरीके, लेकिन 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 सुन लो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो और आखिरी बात आज की क्लास की, ये तरीके सिर्फ एक्सपो में मौजूद है और ये एक्सपो की मेहरबानी है कि इतने सारे तरीके हैं। जो रिएक्ट नेटिव की अपनी CLI है ना उसमें सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है वो बता देता हूँ। आप करेंगे बिल्ड, सही है, यार्न बिल्ड, बिल्ड करने से और साथ में लिखेंगे एंड्रॉइड पे करना है, iOS पे करना है, आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर में ना एक फोल्डर बना हुआ आ जाएगा, उसमें क्या लिखा हुआ होगा एंड्रॉइड। अभी तो नहीं लिखा हुआ रहा है क्योंकि बिल्ड मैंने रन ही नहीं किया अभी। उस एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर ना पूरा प्रोजेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में खोलना पड़ेगा और वहां से आप उसको स्टोर पर पब्लिश करोगे। ये जो मजेदारी वाले तरीके हैं ना ये सिर्फ इसमें। अगर ऐसा नहीं है कि उसका डेवलपमेंट वर्कफ्लो नहीं है, उसका भी डेवलपमेंट वर्कफ्लो है। एक्सपो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो सारे मंजर है ना ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड की हद तक रखेंगे। हेलो वर्ल्ड के बाद एक दो वेदर ऐप बना लेंगे इसके जरिए प्लगइन पे, लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे, रिएक्ट नेटिव की अपनी CLI, क्योंकि एक्सपो के ऊपर बहुत सारी चीजें नहीं रन होती। अच्छा कोई ऐप अगर आपने एक्सपो पे बनाई थी और बाद में आपको कोई ऐसा प्लगइन इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो एक्सपो सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि जाहिर है ये मोबाइल पे जो ऐसे में रन कर रहा हूँ और प्लगइन यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, तो मेरे प्लगइन के लिए जरूरी है कि वो एक्सपो की सपोर्ट देता हो, जब भी उस तरह से चलेगा वरना नहीं चलेगा। अगर मेरा प्लगइन एक्सपो सपोर्टेड नहीं है तो फिर मुझे इसमें एक ऑप्शन होता है इजेक्ट का। जैसे इजेक्ट उस चीज को कहते हैं कि पायलट जब जहाज तबाह होने वाला होता है ना, पायलट ऐसे वो खींचता है दो और वो इजेक्ट हो जाता है, नीचे बम लगे होते हैं, बम फटता है गड़िस बाहर। तो ये एक्सपो से आप इजेक्ट भी हो सकते हैं अगर किसी पॉइंट पे आपको लगे नहीं यार बस एक्सपो अब बहुत हो गया, अब हेलो वर्ल्ड खत्म करना जा रहा है, तो इजेक्ट करेंगे आप एक्सपो से बाहर निकल के आप CLI वाले उस पर चले जाएंगे। ये तो डीबगर UI है, क्यों खुली पिला वजह, किसी ने ऐप से वो किया है, ऐप को शेक करते हैं ना जब आप, अभी वो चल ही नहीं रही पहले तो शेक किया।